केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण कवि सम्मेलन एवं समापन समारोह की अध्यक्षता आज करेंगे माननीय कुलपति जी आप हमारे बीच में पधार चुके हैं हम आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं और सर से अनुरोध कर रहा हूं कृपया मंच पर आवे और अपना स्थान ग्रहण करें प्रोफेसर बंक सिंह दुर्जे नेगी जी माननीय कुलपति केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान उपाध्यक्ष के रूप में मंच की शोभा बढ़ाएंगी डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी कुल सचिव केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान आपसे अनुरोध है कृपया मंच को सुशोभित करें बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर आनंद वर्धन शर्मा जी जो निदेशक मानव संसाधन विकास केंद्र बी हैं उससे अधिक हम सब लोगों के लिए बहुत कुछ है एक परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हम तालियों से आपका स्वागत करते हैं मंच हमारा सुशोभित हुआ और जैसा आप सभी को विदित है कि 25 सितंबर से प्रारंभ जो राजभाषा के विभिन्न कार्यक्रम रहे हैं कार्यान्वयन समिति के द्वारा उसमें कुछ प्रतियोगिताएं हुई हैं कुछ कार्यक्रम हुए हैं उस पूरे कार्यक्रम के समापन समारोह के रूप में हम आज यहाँ एकत्र एक हुए हैं मैं मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करता हूँ कि आप माँ सरस्वती वीणापाण सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित करें दीप प्रज्वलित करें और कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें कुल सचिव महोदया माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित करके मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय दीपक हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक है ऐसे दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं आज के समारोह के सम्मानित अतिथिगण आज के हमारे इस आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में अपर आयुक्त राजस्व वाराणसी श्री विश्वभूषण मिश्रा जी को आना था लेकिन वो अस्वस्थ हैं इस कारण से अभी थोड़ी देर पहले तक उनका था कि मैं आ जाऊँगा लेकिन अत्यधिक अस्वस्थता के कारण हमारे बीच में वो उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं और मैं जो कविगण उपस्थित हैं उसमें वरिष्ठ कवि डॉक्टर अशोक कुमार सिंह उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया आप आवें और मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर ले डॉक्टर अशोक कुमार सिंह हम तालियों से स्वागत करते हैं आपका मंचस्थ अतिथियों अध्यक्ष मुख्य अतिथि एवं अन्य मंचस्थ अतिथियों को हम स्वागत करेंगे खतक प्रदान करके एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करके सर्वप्रथम हमारे डीएसडब्ल्यू नवांग जी से अनुरोध करता हूं जो डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर हैं आज के मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर आनंद वर्धन शर्मा जी को खतक प्रदान करें वोट परंपरा के अनुसार एवं स्मृत चिन्ह प्रदान करके स्वागत करें डॉक्टर अनुराग त्रिपाठी स्वागत करेंगे आज के इस समारोह के अध्यक्ष प्रोफेसर वांगचिंग दौरजे नेगी जी माननीय कुलपति जी का डॉक्टर अनुराग त्रिपाठी संस्थान की छात्रा मेंजत नेगी आवे और आज के कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी माननीय कुलसचिव को खतक एवं स्मृत चिन्ह प्रदान करके स्वागत करें संस्थान की ओर से डॉक्टर <प्थाँगां> भगवान पांडे जी से अनुरोध है कि वे डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी का भगवान पांडे जी से अनुरोध है कि अशोक कुमार सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन करें और इस क्रम में हमारे कविगण उपस्थित हैं संस्थान के उपकुल सचिव डॉक्टर हिमांशु पांडे जी से अनुरोध है कि वे प्रकाश उदय जी का खतक एवं स्मृत चिन्ह प्रदान करके स्वागत करें डॉक्टर प्रकाश उदय जी सहायक कुल सचिव श्री प्रमोद कुमार सिंह जी से अनुरोध है कि वे श्री रामायणधर द्विवेदी जी का स्वागत करें खतक और स्मृत चिन्ह प्रदान करके डॉक्टर सुचिता शर्मा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे बीच में दो कवियत्रियाँ उपस्थित हैं आप दोनों लोगों का संस्थान की ओर से स्वागत करें खतक एवं स्मृत चिन्ह प्रदान करके प्रथमतः डॉक्टर शबनम जी का खतक और स्मृत चिन्ह प्रदान करके सुचिता शर्मा जी स्वागत कर रही हैं और तदनंतर डॉक्टर नशीमा निशा और अब डॉक्टर अनुराग त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करेंगे केंद्रीय उच्च बती शिक्षा संस्थान के पौन प्रांगण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्थान के कुलपति हम सब के अभिभावक एवं संरक्षक दया एवं करुणा की प्रतिमूर्ति प्रोफेसर वांगचुक दुर्ज नेगी जी अक्सर सुशील जी के के एक तुलसीदास की एक लाइन सुनाते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना लेकिन वो आधा सुना के रह जाते हैं पूरी पंक्ति नहीं सुनाते हैं आज मैं इस अध्यक्ष महोदय के लिए पूरी पंक्ति सुना रहा हूँ संत हृदय नवनीत समाना कहा कवि परि कहे न जाना निज परिताप द्रवय नवनीता पर द्रवय संत सुपनीता वो कहते हैं कि संत का हृदय नवनीत के मक्खन के समान होता है लेकिन तुलसीदास तो जी कहते हैं कवियों ने इसे ठीक से कह नहीं पाया क्यों क्योंकि मक्खन ताप पाकर पिघल जाता है लेकिन जो हमारे संत होते हैं वो दूसरे के दुख को देखकर पिघलते हैं उनके दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं मैं इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम शेय गुरुवर प्रोफेसर आनंद वर्धन शर्मा जी प्रख्यात शिक्षाविद महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति रह चुके उसके अलावा आप सोफिया विश्वविद्यालय बल्गेरिया में भारत विद्या विभाग में अतिथि प्राध्यापक रूप में दो चरणों में छः वर्ष तक अध्यापन किया वर्तमान में आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मानव संसाधन विकास केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं यह तो सर का एक प्रशासनिक परिचय है उसके साथ साथ सर बहुत अच्छे साहित्यकार और रचनाकार भी हैं सर की एक बहुत अच्छी कविता है माँ मैं कल को ढूंढ रहा था उसकी दो पंक्तियाँ के साथ मैं सर का स्वागत करना चाहूँगा माँ आँच होती है देती है तपिस माँ आँच होती है देती है तपिस माजती है हमारे संस्कारों को और सहेजती जाती है सब स्मृतियाँ पुराने कपड़ों की तरह से दुनिया का छोटा सा शब्द माँ बड़ा है दुनिया से भी और उससे भी बड़ा है माँ का आँचल नीले आसमान से भी बड़ा मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रोफेसर आनंद वर्धन शर्मा जी का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी सर के बारे में मैं क्या कहूँ हम सब जब एम में पढ़ते थे उदय प्रताप कॉलेज में तो सर विभाग में आते थे और किताबें पाठ करते थे सर की अच्छी कविता है हिरण के पीछे भाग रहा है मेरा मन जाने कितने राम बचे हैं जाने कितने रामण वह पंक्ति आज भी मुझे ये में से याद है और जब उस पंक्ति को याद करता हूँ तो सर की याद आती है और उसी दिन जब काव्य पाठ के लिए हुआ तो पहला नाम मुझे आप ही का याद आया मैं इस पावन प्रांगण में सर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ संस्थान की कुलसचिव मातृशक्ति की प्रतीक कुशल प्रशासक डॉक्टर सुनीता चंद्रा मैडम आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ आपके लिए एक कविता मेरे पास है नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नवपक तल में पीयू स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में मैडम आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत संस्थान के उपकुल सची, उपकुल सचिव डॉक्टर हिमांशु पांडे जी सहायक सचिव शिव प्रमोद कुमार सिंह जी और इस सभागार में उपस्थित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस सात दिवसीय कार्यक्रम में जिन लोगों ने हमारा सहयोग दिया हमारे कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा कार्यक्रम है यह तो एक पुरस्कार वितरण और कवि गोष्ठी है गोष्ठी में हमारे बीच हैं रामायण द्विवेदी युवा कवि है और हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, और हमारे बीच हैं भोजपुरी के बहुत अच्छे कवि डॉक्टर प्रकाश उदय जी तनिक खसका हो तनि सरका हो जब आप उनकी कविता को सुनेंगे अपनी मातृभाषा में तो बहुत ही आनंदित होंगे और उसके साथ साथ हमारी दो बहनें हैं डॉक्टर सबनम डॉक्टर नसीमा निशा जी मैं आपका भी इस पावन प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ और अंत में मैं भी अपनी बात एक कविता से ख़त्म करूँगा कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है कभी कबीरा दीवाना था कभी मीरा दीवानी है यहाँ सब लोग कहते हैं मेरे आँखों में आंसू है जो तू समझे तो मोती है जो ना समझे तो पानी है मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुराग त्रिपाठी ने इस संस्थान की ओर से और राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से सदस्य सचिव के रूप में आप सभी का स्वागत किया अभिनंदन किया और सचमुच आज का यह कार्यक्रम एक सप्ताह तक चलने वाले यहाँ कार्यक्रम का एक तरह से अनुवर्तन है उसकी समीक्षा भी है जो विषय रखा गया था उद्घाटन के दिन वह विषय था वैश्विक स्तर पर हिंदी की क्या स्थिति है और वाद विवाद प्रतियोगिता अभी दो दिन पहले हुई उसका विषय रखा गया था कि उच्च शिक्षा में हिंदी को हम किस तरह से लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं यह तमाम जो पक्ष विपक्ष हिंदी के दशा और दिशा है उस पर मंथन उस पर विचार उस पर शहर के और बाहर के तमाम सन्मान्य विद्वानों को बुला करके उनके भाषण हुए हैं उनके साथ चर्चाएँ हुई हैं उस क्रम में आज का कार्यक्रम है और हमारे जो मुख्य अतिथि आज के प्रोफेसर वर्धन शर्मा जी हैं उनका एक लंबा अनुभव है और जैसा बताया गया कि बुल्गारिया में सोफिया विश्वविद्यालय में एक लंबी समय तक हिंदी के लिए आपने काम किया है वर्धा में उपकुलपति के रूप में और भी अन्य अन्य संस्थाओं में और सबसे बड़ी बात है कि प्रोफेसर शर्मा जी को हम लोग शायद डॉक्टर श्री प्रसाद जी के माध्यम से ज़्यादा जानते हैं आपके पिताश्री एक देश के स्तर पर देश के बाहर बाल साहित्यकार के रूप में अत्यंत प्रतिष्ठित रहे हैं जिनकी कविताएं, जिनका व्यक्तित्व पूरा एक बच्चे की तरह सहल सहज होता है सभी को उनका आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो इस छोटे से इस परिचय के साथ छोटा परिचय इसलिए कहता हूं कि आपके पास एक बड़ा लंबा अनुभव है आपके व्यक्तित्व के कई क्षितिज हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुख्य अतिथि के रूप में आज अपना एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दें इस संस्थान के सप्ताह भर के चलने वाले कार्यक्रमों को समेटते हुए प्रोफेसर आनंद वर्मन आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धे प्रोफेसर वंक्षुक दुर्जे नेगी जी कुलपति कार्यक्रम के उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ उपस्थित सम्माननीय डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी मंचा सेन सम्मानीय भाई अशोक सिंह जी जो बहुत ही ख्यातनाम गीतकार कवि हैं अभी जो संचालन कर रहे थे कार्यक्रम का कर रहे हैं कहना उचित नहीं होगा सम्मानीय अग्रजवर प्रोफेसर रामसुधार सिंह जी सभागार में उपस्थित सम्मानी भाई प्रकाश उदय जी सम्मानीय शबनम जी अन्य सभी सम्मानीय कविगण और आदरणीय अध्यापक मित्रों और सम्मानीय श्रोता बंधुओं ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस अवसर पर मुझे आपके बीच में यहाँ होने का मौका मिला मुझे मालूम है कि ये कार्यक्रम पिछले कई दिनों से चल रहा है और मुझे आरंभ में ही आना था निमंत्रण आरंभ में भी आने का था लेकिन संयोगवशात मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान के एक कार्यक्रम में मुझे जाना पड़ा तो आरंभ में मैं उपस्थित नहीं हो सका लेकिन जब किसी कार्यक्रम का समापन हुआ समाप्त उचित मैं मानता तो ऐसे में एक पूरी की पूरी कार्यक्रमों की जो श्रृंखला पूरी हुई है उसकी पूर्णाहति जैसा यह कार्यक्रम है और ऐसे में मुझे यहाँ आने का मौका मिला है यह परिसर सदैव आकर्षित करता रहा है हम लोग को अपने छात्र जीवन से ही जब हम लोग बहुत छोटे थे तो सारनाथ की यह भूमि निरंतर बुलाती रही उस समय तो उतनी समझ नहीं थी लेकिन बाल्यावस्था से मुझे याद है चूँकि बनारस का ही हम लोगों की धरती अपनी है जन्म यहीं हुआ सारा अध्ययन यहीं हुआ काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा लेकिन जैसे पूरे जहाज को पंछी फिर जहाज पर आ गए फिर से बाबा विश्वनाथ ने बुलाया तो बचपन में छुट्टियों के दिन खासकर पंद्रह अगस्त और छब्बीस जनवरी को हम लोग ट्रेन से अलईपुर स्टेशन से बैठ करके सारनाथ आया करते थे और बहुत सारे बच्चे होते थे तो कोई टिकट नहीं मांगता था पंद्रह अगस्त छब्बीस जनवरी हम लोग को मालूम नहीं था कि आज के दिन कोई फ्री नहीं है लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ स्कूलों से भी आते थे जब स्कूलों में पढ़ते थे स्कूल यहाँ लेकर के आते और तब पूरे सारनाथ के भ्रमण के साथ साथ इस परिसर के आसपास भी हम लोग आते थे यहां भी आने का अवसर ढूंढते थे और एक अद्भुत शांति मिलती थी तो यह धरती तो पूरे विश्व को शांति का संदेश देने वाली धरती रही है जहां भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिया था और कहा था चरत चारिकम और यह सूक्त चरई वेती चरई वेती आज हम लोग लगातार इसका व्यवहार करते हैं बहुत सारे लोग खासकर जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं वो तो कहते ही हैं तो यह जो निरंतर आगे बढ़ने की कामना है संदेश है यह बहुत कुछ कर कहता है और जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने को संदेश देता है यह आयोजन चूंकि हिंदी को लेकर के है और हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य में भी भगवान बुद्ध और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व बहुत कुछ लिखा गया है कविताएँ लिखी गई हैं नाटक लिखे गए कहानियाँ लिखी गई हैं तो ये एक ऐसा प्रभावकारी आभा मंडल है जो सदैव सबको कुछ न कुछ देता रहा है और हिंदी से जुड़ करके अभी प्रोफेसर राम सुधार सिंह जी जो चर्चा कर रहे थे मेरे पिताश्री जो बाल साहित्यकार थे उन्होंने इसी संस्थान बुद्ध भगवान बुद्ध से संबंधित का संकलन था जो इसी संस्थान ने प्रकाशित भी किया और उसमें जी जी और उसमें कई नाटक भी हैं तो यह जो परंपरा रही है इस परंपरा को यह पूरा का पूरा संस्थान आगे बढ़ा रहा है इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य केवल हिंदी को एक दिन या एक सप्ताह के लिए याद करना भर नहीं है बल्कि यहाँ से हम ये मानते हैं कि इसकी जो शुरुआत हुई है ये पूरे वर्ष भर चलती रहेगी और धीरे धीरे जब यह तीन सौ पैंसठ दिन होंगे ये तो हम फिर से उसे एक नवाचारी ढंग से यहाँ जो प्रति हुई आप सब भाग लिया इस तरह के जो उत्सव होते हैं मैं इन्हें उत्सव कहता हूं ये उत्सव हमें सामान्य दैनंदिन प्रक्रिया से थोड़ा सा वेरिएशन की स्थिति में भी लाते हैं मुक्तावस्था में लेकर के जाते हैं और हम किसी और दृष्टि की ओर भी बढ़ते हैं कुछ और सोचने के लिए भी बाध्य होते हैं करने के लिए बाध्य होते हैं उद्यत होते हैं और तब 14 सितंबर जो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और कहीं साप्ताहिक रूप में होता है कहीं रूप में पूरा कार्यक्रम मनाया जाता है और अब तो विदेशों में भी पिछले 10-12 वर्षों से काफी अधिक इसका विस्तार हुआ है ये हमारे लिए बड़ी आश्वस्त की बात है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्वयं मैं उसका साक्षी रहा हूँ उसका आयोजन करता रहा हूँ विदेश में रहते हुए हिंदी दिवस के कार्यक्रम हम लोग साप्ताहिक रूप से मनाया करते थे और वे विदेशी जिनका हिंदी के प्रति भारत के प्रति जो सचमुच विदेशी हैं चाहे वो यूरोप के हों या दूसरे महाद्वीपों के हों वो सारे लोग उसमें भाग लेते थे हमारी तो अपनी भाषा हिंदी ही है मातृभाषा है लेकिन जिनकी अपनी मातृभाषा हिंदी नहीं है वो भी जब दूसरी भाषा पढ़ते हैं उसमें अपनी अभिव्यक्तियाँ देते हैं चाहे लिखित रूप में चाहे मौखिक रूप में तो वह हमारे लिए एक गौरव और सम्मान की बात होती है ये केवल हिंदी का सम्मान नहीं है पूरे देश का सम्मान है तो इस तरह के आयोजन हमें प्रेरणा भी देते हैं बहुत सारे लोग यहीं से अपनी युवावस्था से लिखने पढ़ने की ओर उद्यत होते हैं और हो सकता है यह कभी कभी की लिखावट आपके जीवन का एक ऐसा अभिन्न हिस्सा बन जाए कि आप में से कोई कवि हो जाए कोई लेखक हो जाए हो जाते हैं वही ही है, तो यह प्रेरणा हमेशा एक आगे बढ़ने की ओर संकेत देती है मित्रों यह अवसर बहुत लंबा व्याख्यान देने का नहीं है मैं चूंकि मुझसे आ, कविता अभी सुना दूं या बाद में सुनाऊं कविता बाद में सुना देंगे तो मैं फिर से आप सबको इस सु अवसर की बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं जी 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 आ, मेरे पिताश्री जिन्होंने लगभग अठारह हजार कविताएं लिखीं बच्चों के लिए और आप में से बहुत सारे लोग उसके साक्षी भी रहे हैं यहाँ दीपांकर जी बैठे हुए हैं दीपांकर त्रिपाठी जी जो हमारे इनके आदरणीय पिताश्री हम लोगों के चाचा जी हुआ करते थे प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी हम लोग साथ साथ वर्षों रहे एक ही परिसर में तो दीपांकर जी ने एक पिताजी की कविता रिकॉर्ड की थी और बाद में मैंने उसे देखा कोई यूट्यूब पे भी इन्होंने डाली है खैर तो वो कविता जिसकी चर्चा आपने की है इस कविता का स्वीडिश अनुवाद भी हुआ और तमाम भाषाओं में भी हुआ लेकिन स्वीडिश अनुवाद हुआ और स्वीडन ने एक विश्व के लगभग 80 देशों की बाल कविताओं का संग्रह निकाला जिसमें हर देश से आ, हर भाषा से एक एक कविता ली गई थी तो हिंदी से पिताई की कविता ली थी भारत की तीन भाषाएं उस संकलन में शामिल है एक हिंदी की एक बंगला की और एक तमिल की तो वो कविता जिसकी चर्चा प्रोफेसर राम सुधार जी ने की मैं सुना देता हूँ जी 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 बिल्ली बोली बड़ी जोर का मुझको हुआ जुखाम। चूहे चाचा चूरन दे दो जल्दी हो आराम यह है तो बच्चों की कविता लेकिन इसके अंदर जो प्रतीकार्थ हैं वो आप देखिएगा बिल्ली बोली बड़ी जोर का मुझको हुआ जुकाम चूहे चाचा चूरन दे दो जल्दी हो आराम चूहा बोला बतलाता हूँ एक दवा बेजोड़ अब आगे से चूहे खाना बिल्कुल ही दो छोड़ तो उसने तो अपने स्वार्थ के लिए कहा लेकिन एक संकेत भी है और बहुत सारे इसमें प्रतिकार छिपे हुए हैं अगर उस दिशा में हम सोचें तो चूहा बहुत छोटा प्राणी है बिल्ली की तुलना में बिल्ली का भक्ष्य रहा है वो लेकिन बिल्ली उसे अपनी खा करके अपनी भूख मिटाती रही है लेकिन स्थितियाँ बदली हैं बिल्ली को चूहे जैसे छोटे व्यक्ति के पास जो डॉक्टर है जाना पड़ रहा है यह आज का समाज है आज का समय है और चूहा कहता है कि अगर आपने खाना नहीं छोड़ा तो जुखाम तो हमेशा पकड़ा ही रहेगा ऐसी बहुत सारी उनकी कविताएं हैं और सहयोगवशात अब वो हमारे बीच हमारे पिताश्री नहीं रहे लगभग ग्यारह वर्ष पूर्व उनका निधन हुआ लेकिन निरंतर उनकी पुस्तकें आ रही हैं अलग अलग प्रकाशनों से अभी नवीनतम एक पुस्तक तैयार हो रही है और वो एन सी आर टी पचहत्तर कविताओं का एक संग्रह निकाल रहा है आज भी पाठ्यक्रमों में उनकी कविताएं हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आभार और मैं आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आगे आने वाले समय में और विस्तृत रूप में मनाया जाएगा और इसलिए भी क्योंकि इसमें हम लोग का स्वार्थ जुड़ा है कि हम सब भी फिर से यहाँ एकत्र हो सकेंगे आभार बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आगमन और आपको सुन करके हम समृद्ध हुए हैं हम पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं इस क्रम में आगे जो विभिन्न प्रतियोगिताएं संपन्न हुई हैं पिछले दिनों उससे संबंधित पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है आप सभी को यह सूचित करना चाहता हूं कि जो पहली प्रतियोगिता हुई थी वह है हिंदी में मूल रूप से काम करने के लिए इस संबंध में आप यह जान लें कि कुल बीस हज़ार से अधिक शब्दों को जिन लोगों ने हिंदी में उसका उपयोग किया एक फाइनेंशियल ईयर में उसमें कुल पुरस्कार के लिए दो प्रथम स्थान के लिए तीन द्वितीय स्थान और पांच जो है तृतीय स्थान के लिए कुल दस पुरस्कार की योजना रहती है जिसमें कि इस वर्ष आठ लोगों को यह हिंदी में मूल रूप से काम करने वालों को सम्मानित और पुरस्कृत किया जा रहा है मैं मंच से अनुरोध करूंगा माननीय अध्यक्ष जी और मुख्य अतिथि तथा अन्य मंचस्थ विद्वजन से कि आप सम्मानित करें पुरस्कृत करें सर्वप्रथम श्री जयप्रकाश विश्वकर्मा इनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जयप्रकाश विश्वकर्मा आप मंच के सम्मुख आमें पुरस्कार राशि लिफाफा बंद है तो घोषित करने की जरूरत नहीं है गोपनीय रखा जाए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ मेड़ी लाल सिंह को भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता को पांच हजार रुपये की धनराशि नकद प्रदान की जा रही है राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से द्वितीय स्थान दो लोगों को प्राप्त हुआ है संजय मौर्य और पेमा छोदेन को संजय मौर्य जी से अनुरोध है कि आप है द्वितीय स्थान संजय मौर्य प्रेमा छोदेन और प्रदीप कुमार को संजय मौर्य जी और यह पुरस्कार की राशि तीन हजार रुपये है द्वितीय स्थान में पेमा छोदेन जी और तीसरा नाम है प्रदीप कुमार ये प्रदीप कुमार जी बीमार हैं संजय जी से अनुरोध है संजय मौर्य जी आप इस पुरस्कार को ले लें और प्रदीप कुमार जी तक पहुंचा में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है रविशंकर कैलाश विश्वास प्रथमतः कुंवर रविशंकर कैलाशनाथ शुक्ल और इस क्रम में सुधृति विश्वास हिंदी में अधिक से अधिक काम करने वालों को यह सम्मान प्रदान किया गया दूसरी प्रतियोगिता हुई थी वाद विवाद प्रतियोगिता की वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय जैसा मैंने आपको इसके पहले बताया भी था कि उच्च शिक्षा में हिंदी के पठन पाठन की क्या चुनौतियां और समस्याएं हैं पहला स्थान प्राप्त किया श्री दीपंकर ने दीपंकर जी प्रथम स्थान श्री मेडी लाल जी द्वितीय स्थान तृतीय स्थान कुंवर रविशंकर इस वाद विवाद प्रतियोगिता में काफी उत्साह के साथ लोगों ने भाग लिया इसलिए इसका निर्णय भी बहुत दुरूह कार्य था और उसी लिए तीन सांत्वना पुरस्कार दिए गए हैं जो लोगों ने भाग लिया सांत्वना पुरस्कार के क्रम में पहला नाम है श्री सुधृत विश्वास श्री रमेश चंद्र और तीसरा नाम अमित विश्वकर्मा <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद सर आप अपना स्थान ग्रहण करें और मैं कुल सचिव महोदया से अनुरोध करता हूं कि प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों को आप सम्मानित करें पुरस्कृत करें प्रथम स्थान श्री रमेश चंद्र वाह बहुत बहुत बधाई रमेश जी बहुत आगे बढ़ बढ़ करके हैं सब में द्वितीय स्थान विशाल और तीसरा स्थान श्री सुधृत विश्वास और इसमें सांत्वना पुरस्कार श्री अमित विश्वकर्मा <स्थाँगा> बहुत बहुत धन्यवाद और जिनको आज पुरस्कृत और सम्मानित किया गया उनके लिए ढेर सारी बधाइयाँ सबकी तरफ से मंच की तरफ से आप सबकी तरफ से और अब वह समय आया है जब हम कविता का आनंद लें और कविता का आनंद लेंगे तो सहभागिता जरूरी है सहस्तर जरूरी है इसलिए मंचस्थ सन्मान्य विद्वजन से अनुरोध करूँगा कि आप सम्मुख अपना स्थान ग्रहण करें और कविगण को हम उच्च स्थान पर भाई अशोक जी अपने स्थान पर सुस्थिर रहेंगे और अब मंच कविगण से समृद्ध हो गया और एक तरफ से आपसे फिर परिचय करा देना चाहता हूं इधर दाहिनी तरफ से डॉक्टर अशोक कुमार जी जो मंच पर पहले से उपस्थित है डॉक्टर नशीमा निशा जी डॉक्टर शबनम जी और हमारे बीच में उपस्थित हैं एक जिनसे हम प्रथमतः परिचित हो रहे हैं एक कवि के रूप में श्री रामायणधर द्विवेदी जी और सबसे बाई तरफ है डॉक्टर प्रकाश उदय जी हम संस्थान की ओर से और यहाँ बैठे हुए सभी लोगों की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं समापन इस पूर्णाहुति दिवस के दिन जो हम कविता के साथ समापन कर रहे हैं आखिर क्यों कविता करती क्या है कविता एक शाश्वत है किसी काल और खंड और समय के पार की कविता होती है और यह हर समय हर युग में मनुष्य के सुख दुख के साथ कविता रही है हमें जीने का सलीका सिखाती है कविता हमें संस्कार बनाती है कविता हमें मनुष्य बनाती है कविता हमें इंसानियत का सलीका सिखाती है कविता इसलिए हर युग में कविता बहुत जरूरी हुआ करती है कविता हमें सिखाती है चाहे जितना भी दुख हो तो कविता हमें बताएगी दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात एक पर्दा यह नीला झील जिसके सामने सुख का खुला हुआ है द्वार यह हमें कविता सिखाती है कविता हमें ओज और दीप्त प्रदान करती है योग्य जन जीता है पश्चिम के उक्ति नहीं गीता है गीता है स्मरण करो बार बार जागो फिर एक बार कविता हमें सिखाती है कि सब कुछ नष्ट हो जाए मोहब्बत और मोहब्बत के गीतों को बचा के रखो इसी शहर के गीतकार ने गाया था गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे टूट कर हम उसी दिन बिखर जाएंगे कविता हमें जीने का यह सलीका सिखाती है कि कांटों की तरफ जी हंसते जियो कविता हमें मानवता का संदेश देती है ये बनारस के कवियों को उद्धृत कर रहा हूँ शक्त के विद्युत कण विकल बिखरे हैं हो निरुपाय समन्वय उनका करो समस्त विजयनी मानवता हो जाए औरों को हंसते देखो मन हंसो और सुख पाओ अपने सुख को विस्तृत कर लो सबको सुखी बनाओ विश्व मानवता का संकल्प देने वाली यह काशी की नगरी वहाँ से कविता का घोष और उसी नगरी का यह एक पावन स्थल जहाँ भगवान बुद्ध ने आज के ढाई हजार वर्ष पहले उपदेश दिया था मानवता से उसी दुख के मुक्त की बात किया था इसलिए प्रथमतः हम तो स्मरण करेंगे उस तथागत बोधि सत्व को ही और उनके लिए एक समर्पित कविता दिनकर जी की और इसके बाद हम कविता की शुरुआत करेंगे अनाचार की तीव्र आँच में अपमानित अकुलाते हैं जागो बोधि सत्व भारत के हरिजन तुम्हें बुलाते हैं जागो विप्लव के वाक दम्भियों के इन अत्याचारों से जागो हे जागो तप निधान दलितों के काजों में जागो गांधी पर किए गए मानव पशुओं के वारों से जागो मैत्री निर्घोष आज व्यापक उगधर्म पुकारों से जागो गौतम जागो महान जागो अतीत के क्रांति गान जागो जगति के धर्म तत्व जागो हे जागो बोधि सत्व इस काव्य पंक्तियों के साथ हम उस बोधिसत्व को नमन करते हैं और बार बार यह जरूर कहेंगे हम कवि को सुनेंगे पिता आज फिर हम उस मुहा पर पहुंच गए हैं हिंदी की बात आप संसद से लेकर के और तमाम नेताओं के भाषण सुने न शब्द और भाषा कहाँ जा रही है अफसोस होता है कविता कहाँ जा रही है कविता धर्म है प्रेम 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 उस प्रेम की धारा जितनी तक हम एक घंटे आधे घंटे कविता करें आप तो सब से अनुरोध करूँगा कि सारे बंधन को छोड़िए यहाँ जो लोग भी बैठे हुए हैं सब कविता के श्रोता बैठे हैं कोई बड़ा छोटा नहीं है सारे बंधन को तोड़ करके बैठिए हृदय के द्वार को खोल करके बैठिए तो शायद कविता का आनंद आएगा किसी शायर की बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है और वह है नफ़रतों का जहर सारी बस्तियों में घुल गया नफरतों का जहर सारी बस्तियों में घुल गया प्यार के किस्से किताबों में लिखे रह गए वे प्यार के किस्से जो किताबों में हैं आइए हम थोड़ी देर तक उन प्यार के किस्सों को सामने अनुभव करें हम आज के इस संक्षिप्त और महत्वपूर्ण कवि गोष्ठी की शुरुआत करेंगे सबसे पहले माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करेंगे श्री रामायणधर द्विवेदी जी हमारे बीच में हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि माँ सरस्वती को नमन करें और इसके बाद काव्य पाठ का आनंद लें शब्दों की अधिष्ठात्री देवी माँ बेड़ा पाड़ी को प्रणाम करता हूँ पावन मंच को चरण स्पर्श और इस केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान के सभागार में उपस्थित आप सभी शब्द साधकों को माँ हिंदी के आराधकों को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ माँ बीड़ा पाणी के वंदना का आदेश प्राप्त हुआ है मैं सीधे सीधे वंदना की कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ आप सभी का ध्यान चाहता हूँ हे शार देवर दायनी हर कंठ की कटुता हरो हे शारदे वरदायनी हर कंठ की कटुता हरो बाड़ी मधुर हो वंदिते बाड़ी मधुर हो वंदिते झनकार बीड़ा की भरो हे शारदे वरदायनी हर कंठ की कटुता हरो तुम शब्द में तुम भाव में हर वर्ण की तुम प्राण मां तुम शब्द में तुम भाव में हर वर्ण की तुम प्राण मां चल मगर तुम बिन सभी प्राण भूमि मन होने लगे चेतना के सूखते कर ज्ञान गंगा संचरित कर ज्ञान गंगा संचरित हत भाग्य को जीवित करो हे शारदे वरदायनी हर कंठ की कटुता हरो वाणी मधुर हो वंदिते झनकार बीड़ा की भरो हे शारदे और इस वंदना की अंतिम पंक्तियां सुने रखना सदा सबका हृदय कलुषित विचारों से परे रखना सदा सबका हृदय कलुषित विचारों से परे सद्भावना विस्तार ले अपराध से मानव डरे जीवन सुमन अर्पण तुम्हें करते तुम्हारी प्रार्थना संसार वासंती रहे संसार वासंती बने आशीष घन जैसी झरो हे शारदे वरदायनी हर कंठ की कटुता हरो वाणी मधुर हो वंदिते झनकार बीड़ा की भरो हे शार दे माँ शार दे क्या बात है बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय द्विवेदी जी को जिन्होंने बहुत ही सुमधुर कंठ में माँ बीड़ा वाणी की वंदना प्रस्तुत किया कवि को स्रस्ता कहा गया है इसीलिए इसको विधाता के समान बताया गया है सृजन करता है कवि रचता है लेकिन कवि लोगों की घर में बड़ी दुर्गत हुआ करती है घर में वो सम्मान नहीं होता है बाहर बड़ा सम्मान मान हुआ है अब कवियों की पीड़ा को तो भाई प्रकाश उदय जी और अशोक जी ज़्यादा जानते होंगे कि घर पर इनको क्या मिलता है वो अलग अलग संदर्भ हैं हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं हमारे बीच में डॉक्टर नशीमा निशा जी उपस्थित हैं एक कविता की गीत की गज़ल की एक समर्थ रचनाकार के रूप में और नशीमा निशा जी काशी में रहती हैं और काशी इनमें रहता है एक मिनट नसीमा जी इनकी कुछ पंक्तियों से ही मैं इनको आमंत्रित करता हूं किस तरह से नसीमा जी काशी को प्यार करती हैं काशी में रहती हैं काशी इनके लिए क्या है मेरा दिल और जान है काशी हिंद का स्वाभिमान है काशी गंगा और विश्वनाथ मंदिर से ज्ञान वापी अजान है काशी इसमें आकर सुकून सब पाते इसमें आकर सुकून सब पाते माँ की गोंदी समान है काशी कर रही तेरा बखान निशा अजमतों का निशान है काशी नशीमा निशा जी आपके सम्मुख हैं अपनी गीतों और अपनी गजलों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर आदरणीय है राम सुधार सिंह जी आप ही के बदौलत मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ तो सबसे पहले मैं आपका दिल से बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सभी के बीच अपने को यहाँ पाकर बहुत खुश नसीब महसूस कर रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सम्मानित मंच और प्यारे साथियों मैं आप सभी को सलाम करते हुए अपनी एक गज़ल से शुरुआत करती हूँ <laughs> हुँ, 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 हुँ। पास आकर भी फासला क्यों है पास आकर भी फासला क्यों है जिंदगी नी बे मजा क्यों है पास आकर भी फ़ासला क्यों है जिंदगी बे मजा क्यों है सज रही हूँ मैं देख कर तुमको सज रही हूँ मैं देख कर तुमको सामने फिर ये आईना क्यों है सज रही हूँ मैं देख कर तुमको सामने फिर ये आईना क्यों है अगला शेर है कि अब तेरी याद भी नहीं आती अब तेरी याद भी नहीं आती आँखों में फिर ये रत जगा क्यों है अब तेरिया भी नहीं आती आँखों में फिर ये रत जगा क्यों है आने वाला नहीं है जब कोई आने वाला नहीं है जब कोई दिल का दरवाजा फिर खुला क्यों है आने वाला नहीं है जब कोई दिल का दरवाजा फिर खुला क्यों है और मकते का शेर है इश्क में जान मैंने दी है निशा इश्क में जान मैंने दी है निशा हर तरफ फिर तेरा चर्चा क्यों है पास आकर भी फासला क्यों है जिंदगी बे मज़ा क्यों है और एक दो शेर अलग दूसरे उससे लिया है दूसरी गजल से इश्क से भी कोई बचा है क्या इश्क से भी कोई बचा है क्या कर लिया हमने तो बुरा है क्या कर लिया हमने तो बुरा है क्या आईना हमको क्यों दिखाते हो आईना हमको क्यों दिखाते हो कोई भी दूध का धुला है क्या कोई भी दूध का धुला है क्या और एक दो शेर अलग गजल से हैं उनकी यादें मेरे साथ थी उनकी यादें मेरे साथ थी मैं गजल गुनगुनाती रही उनकी यादें मेरे साथ थी मैं गजल गुनगुनाती रही अश्क आँखें भिगोते रहे अश्क आँखें भिगोते रहे और मैं मुस्कुराती रही उनकी यादें मेरे साथ थीं हमको ताबीर का था पता हाथ कुछ आएगा हमको ताबीर का था पता हाथ अपने न कुछ आएगा जहन में एक हसी ख्वाब को जहन में एक हसी ख्वाब को हर घड़ी में सजाती रही उनकी यादें मेरे साथ थीं मैं गज़ल गुनगुनाती रही उनकी यादें मेरे साथ थीं बस मोहब्बत पे एक दो शेर और फिर उसके बाद अपनी जगह लूँगी अभी बिल्कुल हाल ही में ये कही है गजल तो पहली बार ही सुना रही हूँ इश्क का ऐसा जोड़ा था इश्क का ऐसा जोड़ा था सबकी जबान पे चरचा था आखिर तक, आखिर तक वो पहला था आखिर तक वो पहला था आखिर तक वो पहला था याद हमें है क्या क्या था इश्क का ऐसा जोड़ा था सबकी जबान पर चर्चा था वो तो उसका चंदा था वो तो उसका चंदा था वो तो उसका का चंदा था और दिशा की बिंदिया था आखिर तक वो पहला था याद हमें है क्या क्या था बहुत ही शुक्रिया नसीम निशा जी को यहाँ के लोग थोड़ा इस मोहब्बत से दूर रहते हैं बहुत पाला नहीं पड़ता है इसको मोहब्बत से इसलिए अच्छा किया आपने इसको मोहब्बत की बात फिर बदल करके कई बार सुनाया लेकिन लगा कि बहुत असर नहीं पड़ा पथरा गए लोग हैं इसकी मोहब्बत से थोड़ा लेकिन बहुत अच्छा आपने गज़ल के जि भी और जो अलग जो शेर आपने पढ़ा वो अद्भुत थे और मुझे ऐसा लगता है कि कवि लोगों के नाम देखिए कैसे बनते हैं या तो पैदा होते ही माँ बाप को पता चल जाता है कि ये कभी कवियत्री होगी तो नाम रख दिया जैसे नसीमा जी हैं अभी काव्य पाठ कर रही थी मैं उर्दू और फारसी का जानकार नहीं हूँ लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ नसीम माने होता है सुबह की मंद बयार वही होता है मंद बयार जो सुबह सुबह की होती है चार बजे वाली खुशबू से भरी हुई ठंडी हवा शवा शहर नसीम उसको बोलते हैं शहर नसीम तो वो नशीमा जी हैं और इनकी कविता में वही सुगंध थी वही मादकता थी लेकिन अब मादकता का अर्थ आप दूसरा लगा लें हमारे भाई अशोक जी एक बार पत्नी का को लेके गए दर्शन करने मंदिर में मंदिर पर लिखा था कि मादक पदार्थों के साथ अंदर न आवें तो पत्नी को इन्होंने बाहर कर दिया था लेकिन बाद में समझ गए थे तो एक नसीमा का अर्थ वही है नसीम का एक शबनम जी हैं ओस की बूंद के साथ हैं कैसे कैसे नाम सुंदर सुंदर लोग रखते हैं और एक हम लोगों का नाम रख दिया गया प्रकाश उदय जी अशोक जी आनंद वर्धन जी बैठे हुए हैं देखिए तो एक और लेकिन जिन कवियों का नाम गड़बड़ रहता है बाद में वो सुधारते हैं उपनाम रख देते हैं का बेदर्द बेदिल तड़प घायल ऐसा कुछ नाम रख देते हैं जिसका जैसा असर रहता है तो मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सबनम जी को इस क्रम में आप थोड़ा खुल करके सुनिए और यह निश्चित समझिए कि कविता की या गीत की गजल की अच्छी पंक्ति पर अगर आप ताली नहीं बजाएंगे ना अगले जन्म में दुआर दुआर ताली बजानी पड़ेगी इसलिए आप ताली बजाइए डॉक्टर सबनम जी अच्छा हुआ आपके धमकियों का असर हम अब पड़ेगा और कुछ तालियां मुझे मिल जाएंगी <laughs> मंच पर बैठे हुए हमारे कविगर राम सुधार सर वीसी सर और हमारी प्रिय सुनीता मैडम मैंने प्रिय इसलिए सुनीता मैडम को कहा कि ये सिर्फ और मैं ख़ासकर वीसी सर से कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ मेरी ही प्रिय नहीं है बल्कि ये पूरे बी की प्रिय हैं पूरी बी की प्यारी हैं और पूरी बी की ये चहेती हैं और शायद गौतम बुद्ध जी की जो ये जगह है यहाँ पे भी उनको सेवा देनी थी जिस तरीके से महामना जी की पवित्र भूमि पर इन्होंने सेवा दी और जिस तरह से सेवा दी वो कोई मामूली बात नहीं है एक नज़ीर है हम लोग हसी में बी वाले कहते हैं कि अगर वहाँ इलेक्शन हो तो सबसे ज़्यादा वोट तो सुनीता सुनीता मैडम को ही पढ़ेंगे <laughs> तो इस तरह की चीज़ें तो सबसे पहले मैं अपने कुछ कलाम पढ़ने से पहले गौतम बुद्ध जी की इस पाकि ज़मीन को मैं नमन करती हूँ मैं सलाम करती हूँ जहाँ से मोहब्बतों का पैगाम चला सर ने जैसा कि कहा कि हम लोगों का मकसद सिर्फ एक होता है कि कैसे प्यार की गंगा बहे कैसे मोहब्बत हमारे इस हिंदुस्तान के इस चमन में कैसे मोहब्बतों की गंगा बहे किस तरीके से मोहब्बतों की आंधी बहे तो इसी तरह से हम लोग सोचते हैं कुछ इसी से संबंधित कुछ हमारी पंक्तियाँ हैं कि ये नफरतों की आंधी कब तक चलाओगे ये नफ़रतों की आंधी कब तक चलाओगे ये रिश्तों का खून कब तक बहाओगे ये रिश्तों का खून कब तक बहाओगे ये शहीदों का हिंदुस्तान कब तक जलाओगे कब तक बांटोगे इसको धर्मों में कभी तो मोहब्बत के गीत गाओ कभी तो मोहब्बत के गीत गाओ भारत माँ के आंगन में सबको गले लगाओ भारत माँ के आंगन में सबको गले लगाओ ये हिंदू ये मुस्लिम ये सिख ये ईसाई भारत माँ के हैं ये चार लाल क्यों बंद करते हो इनको मजहबों के तहखानों में क्यों बंद करते हो इनको मजहबों के तहखानों में भारत माँ की सुनो पुकार मत करो इंसानियत को शर्मसार मत करो इंसानियत को शर्मसार एक जो चराई वेती वाली जो बातें हैं कि चलो मुसलसल तुम चलते रहो रुको मत शायद इसमें कुछ उर्दू के शब्द हैं हो सकता है कुछ समझ में आए या नहीं भी आए जैसे मैं पहले ही बता देती हूँ कि आबशार मीन्स होते हैं झरना कोहसार मीन्स पहाड़ और नशेबो फराज उतार चढ़ाव ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं तो चूँकि जो आबशार है जो झरना है जब पहाड़ों से गिरता है तो ऊंचाई से वो नीचे आता है तो यही तो ज़िंदगी है ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती है लेकिन रुकना नहीं है चलते रहना है कि कोहसारों से गिरते हुए आबशार कोहसारों से गिरते हुए आबशार बताते हैं जिंदगी के नशेबो फराश बताते हैं ज़िंदगी के नशेबो फराश नगमे गाती बहती नदिया की धारा नगमे गाती बहती नदिया की धारा रुको नहीं ठहरो नहीं बढ़ो मिसले आबशार बढ़ो मिसले आबशार यानी झरने की तरह आप बहते रहिए चलते रहिए जिंद क्योंकि ज़िंदगी ठहरती है तो ख़त्म हो जाती है ज़िंदगी ठहरती है तो ख़त्म हो जाती है जैसे रुके पानी में महक आ जाती है जैसे रुके पानी में महक आ जाती है बस एक मैं और करके बस चलती हूँ अभी और लोगों को भी नहीं, नहीं सर। इंसान जब तक हमारे हाथ हैं पैर हैं मेरा जिस्म है मेरा दिल है मेरा दिमाग है तब तक उससे काम ले लेना चाहिए क्योंकि जिस दिन ये चिड़िया उड़ गई तो कुछ नहीं हो सकता है तो वक्त रहते सब कुछ करना कर लेना चाहिए खोलो पंख भरो उड़ान कर लो गगन मुट्ठी में खोलो पंख बढ़ो खोलो पंख भरो उड़ान कर लो गगन मुट्ठी में जिंदगी अभी तुम्हारी है ये जग तुम्हारा है सांस अभी बाकी है ये जिस्म अभी तुम्हारा है खोलो पंख भरो उड़ान कर लो गगन मुट्ठी में खोलो पंख भरो उड़ान कर लो गगन मुट्ठी में थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सबनम जी को और इस क्रम में हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हैं श्री रामायणधर द्विवेदी जी जिन्हें एक ऐसा युवा रचनाकार जिनको हम लोग पहली बार सुनूँ मैं कम से कम पहली बार सुनूंगा और अच्छा लगा कि बनारस में एक ऐसा रचनाकार उदित हुआ है आया है लेकिन रामायणधर द्विवेदी जी भी अपना नाम कुछ नया रखें इस तरह का तो और किसी ने मुझे बताया कि रामायणधर द्विवेदी जी इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो कुमार विश्वास के साथ मंच साझा करते हैं मैंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है ही नहीं है लेकिन रामायणधर द्विवेदी ने जब सरस्वती वंदना किया तो हमें लगा कि नहीं ये महत्वपूर्ण कभी है हो सकता है इसके पास वह लय है सुर है वह प्रस्तुति है वह काव्य है इसलिए किसी कुमार विश्वास आदि जैसे लोगों के साथ मंच साझा करना कोई वैशिष्ट नहीं है एक उम्र में थोड़ा बड़े होने के नाते यह सलाह दूंगा रामायणधर द्विवेदी को कि अपना वजूद खुद रखें खुद लोग कहें कि फक्र महसूस करें कि हम रामायणधर द्विवेदी के साथ मंच साझा कर रहे हैं आप आवें इस संस्थान का आशीर्वाद आपके साथ है आप काव्य पाठ करें पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूं अपने काव्य पाठ के क्रम में हूं बहुत कुशलता से आप संचालन कर रहे हैं मैं आपको कुटाम करता हूँ एक बार जोरदार तालियां पहले आप हमारे संचालक महोदय के लिए बजाएं समय की अपनी सीमा है मैं कहीं भी काव्य पाठ करते समय ज्यादा बातचीत में समय नहीं गवाता सीधे सीधे रचनाओं से आप सभी को जोड़ना चाहता हूँ अवध की मिट्टी से आया हूँ यहीं से अपनी चार पंक्तियां पढ़ता हूं सुनिएगा कि प्रेम का बीज जब एक अंकुर बने प्रेम का बीज जबे कंकुर बने मंथरासी पतित सोच भंगुर बने प्रेम का बीज जबे कंकुर बने मंथरासी पतित सोच भंगुर बने सदगुणो राम बनकर विराजो यहाँ सदगुणो राम बनकर विराजो यहाँ हृदय हर किसी का अवधपुर बने सदगुणो राम बनकर विराजो यहाँ हृदय हर किसी का अवधपुर बने अभी आप बात कर रहे थे वजूद की मेरा अपना मानना है कि जब आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में होते हैं तो पीड़ाएँ आप सभी के सामने आके खड़ी होती हैं सबको संघर्ष झेलना पड़ता है सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा कष्ट होता है वो आपको विचलित भी करती हैं लेकिन वही आपके लिए नए रास्ते का निर्माण भी करती हैं जितने भी हमारे देश में महान व्यक्तित्व हुए हैं चाहे वो भगवान बुद्ध हों या आराध्य प्रभु श्री राम हों सबके जीवन के मूल में पीड़ा रहा पीड़ा रही है मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि किसी सामान्य से सिद्धार्थ को गौतम बना डाला किसी सामान्य से सिद्धार्थ को गौतम बना डाला सहा संयम से जिसने उसको सर्वोत्तम बना डाला किसी सामान्य से सिद्धार्थ को गौतम बना डाला सहा संयम से जिसने उसको सर्वोत्तम बना डाला ये पीड़ा आग है ऐसी तपे मानव बने कंचन पुरुष थे राम पीड़ाओं ने पुरुषोत्तम बना डाला ये पीड़ा आग है ऐसी तपे मानो बने कंचन पुरुष थे राम पीड़ाओं ने पुरुषोत्तम बना डाला और एक दूसरी समस्या आपके सामने आके खड़ी होती है वो है निर्णय की समस्या आप एक सही निर्णय लेते हैं तो जमीन से आसमान पर पहुंच जाते हैं और एक गलत निर्णय आपको लाके जमीन पर पटक देता है और निर्णय से हर व्यक्ति कभी ना कभी अपने जीवन में परेशान हुआ है चार पंक्तियां सुनेगा आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं मुझे यहां किसी भूमिका की कि आवश्यकता नहीं है मैं सीधे सीधे पंक्तियां पढ़ता हूं कि करे लाचार अबला को करे बिकराल चंडी भी करे लाचार अबला को करे बिकराल चंडी भी कभी अल्पज्ञ कर देता कभी मूर्धन्य दंडी भी मनुष्य का एक ही निर्णय बदल देता परिस्थितियां मनुष्य का एक ही निर्णय बदल देता परिस्थितियां बना देता पितामा भी बना देता शिखंडी भी मनुष्य का एक ही निर्णय बदल देता परिस्थितियां बना देता पितामा भी बना देता शिखंडी भी आइए मैं भी मूलता एक गीतकार हूं और मेरे बीच वरिष्ठ गीतकार की उपस्थिति है तो मैं आपको प्रणाम करते हुए मैं अपना एक गीत पढ़ना चाहता हूं गीत की भूमिका में कुछ पंक्तियां और सुनिएगा मेरा नाम रामायण और जैसे आप रामायण पढ़ते हैं रामचरितमानस पढ़ते हैं तो सकारात्मकता से भर जाते हैं ठीक उसी प्रकार आज आप इस रामायण को भी सुनकर सकारात्मकता से भर जाएं इस विश्वास के साथ मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं मुश्किलों का हल तुम्हें मिल जाएगा मुश्किलों का हल तुम्हें मिल जाएगा मरुथलों में जल तुम्हें मिल जाएगा मुश्किलों का हल तुम्हें मिल जाएगा मरुथलों में जल तुम्हें मिल जाएगा आज अपना तुम सजो लोगे अगर एक बेहतर कल तुम्हें मिल जाएगा आज अपना तुम सजो लोगे अगर एक बेहतर कल तुम्हें मिल जाएगा इसी तरह की चार पंक्तियां और सुनिए कि हार जाने पर निराशा घोर होती है हार जाने पर निराशा घोर होती है नीर से गीली नयन की कोर होती है बस अडिग रहना पथिक तुम लक्ष्य के पथ पर याद रखना हर निशा की भोर होती है याद रखना हर निशा की भोर होती है एक आशाओं का गीत पढ़ना चाहता हूं सुनिएगा आशाओं को परिभाषित करता हुआ एक गीत है सुनिए जुगनू जैसी जलती बुझती जुगनू जैसी जलती बुझती छोटी छोटी आशाए जुगनू जैसी जलती बुझती छोटी छोटी आशाएं जीने का कारण बन जाती छोटी छोटी आशाएं जुगनू जैसी जलती बुझती छोटी छोटी आशाएं पंक्तियां सुने मन की कोमल सी डाली पर झुंड बना कर आ जाती चौकन्नी हो गोरई आसी आँखों को मटका जाती मन की कोमल सी डाली पर झुंड बना कर आ जाती चौकन्नी हो गोरई आसी आंखों को मटका जाती छोटे छोटे पर से नापे छोटे छोटे पर से नापे बुझती छोटी छोटी आशाएं जुगनू जैसी जलती बुझती आप सभी विद्वान लोग हैं मैं चाहता हूँ मेरे गीत के हर अंतरे में जो पूरक पंक्ति का तुकान थे उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा अगला अंतरा सुनेगा जैसी जलती बुझती चुपके चुपके नीच निराशा जब करती हो घर मन में चुपके चुपके नीच निराशा जब करती हो घर मन में पग पग पर जब जाल बिछाए बाधा लाए जीवन में हंस देती हैं अवरोधों को हंस देती हैं अवरोधों को काट चिकोटी आशाएं जुगनू जैसी जलती बुझती छोटी छोटी आशाएं जुगनू जैसी जलती बुझती और इस गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ मां शारदे की जो थोड़ी बहुत मुझ पर कृपा हो पाई है और जो उन्होंने कुछ अच्छी पंक्तियां मुझसे रचवाई हैं मेरा अपना मानना है कि इस गीत की अंतिम पंक्तियां उसमें से आती हैं गीत अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं उसके बाद एक गीत और सुनाता हूं अपना स्थान लेता जुगनू जैसी जलती बुझती खेल गुड्डा गुड़िया मोटर गाड़ी रिक्शे सी खेल खिलौने गुड्डा गुड़िया मोटर गाड़ी रिक्शे सी मोटी पतली आड़ी तिरछी ज्यों भारत के नक्शे सी खेल खिलाउने गुड्डा गुड़िया मोटर गाड़ी रिक्शे सी मोटी पतली आड़ी तिरछी ज्यों भारत के नक्शे सी बिटिया के हाथों से बेली बिटिया के हाथों से बेली पहली रोटी आशाएं जुगनू जैसी जलती बुझती छोटी-छोटी आशाएं जुगनू जुगनू जैसी जैसी जलती बुझती। जैसी जलती बुझती बुझती बहुत बहुत आभार आप सभी का एक अपने क्रम में अंतिम गीत पढ़ता हूं हूं फिर अपना स्थान लेता हूं। मैंने एक प्रयोग किया कि जो हिंदी साहित्य के प्रचलित मुहावरे हैं लोकोक्तियां हैं मैंने कोशिश ये करी है कि एक गीत में उन्हें बांधने का प्रयास किया है और गीत की हर एक पंक्ति में मैं आप सभी का परिचय एक मुहावरे से कराना चाहता हूं मैं कहां तक सफल हो पाया हूं आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं सुन के बताइएगा राजभाषा का कार्यक्रम है तो मुझे लगा ये आवश्यक गीत है यहाँ पढ़ना इसलिए मैं वो गीत सुनाता हूं अंधियारे में तीर चलाना अंधियारे में तीर चलाना कठिन लगन से आंख चुराना अंधियारे में तीर चलाना कठिन लगन से आंख चुराना और एक के तीन बनाना छोड़िए अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए अंधियारे में तीर चलाना कठिन लगन से आंख चुराना और एक के तीन बनाना छोड़िए अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए गीत का पहला अंतर आप अक्ल की रोटी खाएं निश्चय सदा अटल हो नीर क्षीर के बने विवेकी रोम रोम निश्चल हो काटा बोना टांग खींचना नीच कर्म ये सारे अंधे की लाठी हो पाए तो फिर जन्म सफल हो बहुत गलत है कोख खिला जाना बहुत गलत है कोख खिला जाना शुरू करें जी जाने लड़ाना अब बालू पर भीत बनाना छोड़िए अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए मेरा थोड़ा सा गला खराब हुआ एसी चल रही है तो इससे दिक्कत हो जाती है सुनिएगा गीत का अंतरा अपनी करनी पार उतारे सत्य कहा जाता है कर्म करे जो जैसा वो वैसा ही फल पाता है अधजल गगरी रहे छलकती ये हर कोई जाने जो गरजे वो नहीं बरसता केवल दिखलाता है मिट्टी के माधो बन बैठे मिट्टी के माधो बन बैठे खटिया तोड़े मूछे ऐठे मिट्टी के माधो बन बैठे खटिया तोड़े मूछे ऐठे बिना गुड़ों के धाक जमाना छोड़िए अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए और गीत के अंतिम पंक्ति सुनो चोरी करके कोतवाल को उल्टा डांट लगाते फिसल पड़े तो हर हर गंगे कहकर शीश झुकाते बिना मरे ही स्वर्ग चाहते किंतु नहीं यह संभव जो सागर में गहरे उतरे वो ही मोती पाते सदा कुएं तक प्यासा जाए सदा कुएं तक प्यासा जाए कुआ भला कब चल कर आए सदा कुएं तक प्यासा जाए कुआ भला कब चल कर आए हस्तरेख के दोष बताना छोड़िए अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए अंधियारे में तीर चलाना कठिन लगन से आंख चुरा और एक के तीन बनाना छोड़िए अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए चार पंक्तियां मैं अपना स्थान लेता हूं कि देह में श्वास भर के चले जाइए पीर का ताप हर के चले जाइए देह में श्वास भर के चले जाइए पीर का ताप हर के चले जाइए प्रेम का एक मंदिर बनाएंगे हम बस शिलान्यास करके चले जाइए बहुत आ, बहुत बहुत खूब रामायणधर द्विवेदी जी ने यह साबित कर दिया कि उनमें बड़ी संभावना है एक बड़ा कवि बनने की बहुत बहुत बधाई आपको और अंतिम अपने गीत में तो जिस तरह से मुहावरों और लोकोक्तियों का बड़ा सार्थक प्रयोग किया और इससे पता लगा कि हमारी जो भाषाएं हैं कितनी समृद्ध हैं और कैसे उनके प्रयोग के द्वारा एक संदेश हर पंक्ति और हर गीत के टुकड़े में रहा है बहुत बहुत बधाई और हमारे बीच में डॉक्टर प्रकाश उदय जी जिनसे हम सब लोग परिचित हैं आप भी इनके काव्य पाठ को सुन चुके हैं एक ऐसा अनूठा रचनाकार अभी रुकिए थोड़ा कहाँ तो रन चले यार। एक, नहीं, नहीं, नहीं बैठिए एक, एक, एक अभी जब द्विवेदी जी मुहावरों का प्रयोग कर रहे थे और ठीक उसी के बाद हम प्रकाश उदय जी को सुनना चाहते थे जहाँ मुहावरे ही हैं जहाँ कविता एक सहज भाव से कैसे निकलती है आपने बुद्ध पर और बहुत सारी कविताएं पिछली बार मुझे याद है कि शंकर जी को ऐसा नहवाया आपने कि सब लोग ही आनंदित हो गए कविता याद होगी आपको एक चलिए आप खड़े हो गए भगवान बुद्ध पर आपने कई टुकड़ों टुकड़ों में कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं उसमें एक मुझे याद आ रही है बुद्ध होना सहज होना है बुद्ध होना सहज होना है सहज होना सहज होता है नहीं बौद्ध होना सहज है बहुत महत्वपूर्ण कुछ पंक्तियां हैं लेकिन एक दूसरी पंक्ति से आपको आमंत्रित करता हूं सबकर आपन आपन रोल सबकर आपन आपन रोल केकरो चाकर केकरो गोल कि हारमोनिया जतना हारमुनिया ढोलवो वो से कम ना ढोल ये हैं हारमोनिया और ढोल के साथ प्रकाश उदय जी बुद्ध की धरती पर दो तीन छोटी छोटी कविताएं पढ़ता हूँ छोटी से ज़्यादा छोटी कविताएं जिसमें एक सुनाया बुद्ध होना सहज होना है सहज होना सहज होता है नहीं बौद्ध होना सहज होता है और एक दूसरी कविता बात कीजिए कह रहे थे बुद्ध इतने शुद्ध इतने शांत कौन करता बात मैं चुपचाप जब चलने लगा कहने लगे फिर आइएगा आप अब की और कुछ खुलकर करेंगे बात बात कीजिए कह रहे थे बुद्ध इतने शुद्ध इतने शांत कौन करता बात मैं चुपचाप जब चलने लगा कहने लगे फिर आइएगा आप अब की और कुछ खुलकर करेंगे बात एक और छोटी सी दुख है जैसे कि है यह ऊख दुख है जैसे कि है यह ऊख चाभना चाहो उठा लो नहीं चल दो दुख है जैसे कि है यह ऊख चाभ ना चाहो उठा लो नहीं चल दो ऊख है जैसे कि है यह दुख भोगना चाहो जुटा लो नहीं चल दो और एक मेरा मन बना है सुनाने का राम सुधार जी ने बहुत प्रेम प्रेम किया और ये भी हुआ कि इश्क वाली गलती भला किसने नहीं की है तो हम लोग जब बी एम ए कर रहे थे तो वही उम्र होती थी नौकरी ढूंढने की और वही उम्र होती थी कहीं प्रेम व्रेम डाकने की ये दो कशम कश और वो हम लोगों के ज़माने में पोस्टल ऑर्डर चलता था भरते थे तो पोस्टल ऑर्डर लगाना होता था तो उसकी एक पुरानी कविता है चलते चलते प्यार किया मुड़ मुड़ कर देखा छत की ओर उठी दस कदम चला पीछे पीछे खड़ी देखकर सीट छोड़कर खड़ा हो गया उतर गया फिर भले वहीं पर दुनिया को दिखला देने को पास कुछ नहीं काम था मुझे यहीं पर चलते चलते प्यार किया कुछ हॉर्न सुने कुछ बात सुनी अंधे होने की डांट सुनी फिर कभी अचानक मुड़ी आंख मिल गई न जाने क्या कुछ बकता पकड़ी दूजी राह दिखा दी पीठ शर्म कुछ नरम पड़ गई और मित्र मिल गए ठहाके गूंज उठे रोनी सूरत तब महलों की ऊंचे महलों की उन सब में रहने वालों की उन सब को सहने वालों की कारों में कारों से बड़ी बड़ी कारों में उठेंगे पसरे गोल आयता कार सेठ साहू कारों की दहल गई मन बहल गया पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो पोस्टल ऑर्डर के पैसे उड़ जाने को पसर गए दो डैने जैसे अपने त्यों जुट पाने के सारे किस्से लिए दिए तो धड़क उठी छाती के संबल दीवारों पर लगे हुए फिल्मों के बड़े बड़े पोस्टर जो शुभ हो जाए अबकी का यह पोस्टल ऑर्डर हे बजरंगी बजरंगी बीड़ी का जहाँ प्रचार छपा है अगल बगल शुभ लाभ लिखा है ठीक बीच बजरंग बली का चित्र छपा है अहिराव पावों के नीचे दबा पड़ा है बेवकूफ उस पाताली ने पीली होगी कोई ऐरी गैरी बीड़ी हमने प्रभु के इसी रूप का ध्यान धर लिया अगल बगल पोस्टल ऑर्डर पर हमने प्रभु के इसी रूप का ध्यान धर लिया मन ही मन पोस्टल ऑर्डर पर अगल बगल शुभ लाभ लिख लिया खुली आंख तो आसपास कुछ लोग खड़े थे दिल खोल रहे कुछ बोल रहे थे आधा है या पूरा पागल तोल रहे थे सबके पीछे वह भी शायद इसी तरह हंस बोल रही दिल खोल रही कुछ तोल रही थी मिली अचानक आंख दिखा दी पीठ शर्म कुछ नर्म पड़ गई चलते चलते प्यार किया हर रोज किया हर बार किया चलते चलते थक जाने को निंदिया ने प्रेम कथाओं को सपनों ने हाथों हाथ लिया चलते चलते प्यार किया धन्यवाद क्या सुनाइए <laughs> नहीं मैं एक दूसरी सुना देता हूँ <laughs> अच्छा तो ये हिंदी की एक जो ताकत है वो ये है कि वो दूसरी भाषाओं से मिलना जानती है। तो मराठी से जब मिलती है हिंदी उस हिसाब की ये कविता है और एक और बात इसमें यह है कि ये कविता जनता की तरफ से सत्ता में बैठे लोगों के लिए नहीं है सत्ता की तरफ से जनता बने हुए लोगों के लिए है जिधर को बैठा है जैसे बैठने का बिल्कुल बिंदास डोलने का नहीं बोले तो जास्ती बात बोलने का नहीं कमान जिधर को बैठा है जैसे बैठने का बिल्कुल बिंदास डोलने का नहीं बोले तो जास्ती बात बोलने का नहीं ऐसा भी नहीं बेशक चीखने का चिल्लाने का चोट जो है सो किधर है कितना दिखाने का सजाने का भजाने का पर अपनी चोट से चिल्लाहट से हमारे चैन को चुप्पी को तोलने का नहीं बोले तो जास्ती बात बोलने का नहीं कमाने का खाने का मौज जो मिले सो उड़ाने का नहीं मिले डोंट वरी टोल फ्री नंबर है घुमाने का बताने का बट हाउ वी मैनेज्ड एक प्लेट डिनर एट द रेट ऑफ रुपीज सेवन थाउजेंड डोनली दिस इज मिस्ट्री इसे हिंदी फिंदी में खोलने का नहीं बोले तो जास्ती बात बोलने का नहीं कमाने का खाने का मौज जो मिले सो उड़ाने का नहीं मिले डोंट वरी टोल फ्री नंबर है घुमाने का बताने का बट हाउ वी मैनेज्ड एक प्लेट डिनर एट द रेट ऑफ रुपीज सेवन थाउजेंड ओनली दिस इज़ मिस्ट्री इसे हिंदी फिंदी में खोलने का नहीं बोले तो जास्ती बात बोलने का नहीं दुनिया में आया है तो जीना तो पड़ेगा, जीवन है जहर अगर तब भी पीना तो पड़ेगा। पर अपने जीवन के जहर को हमारे जहर के जीवन में घोलने का नहीं बोले तो जास्ती बात बोलने का नहीं दुनिया में आया है तो जीना तो पड़ेगा जीवन है जहर अगर तब भी पीना तो पड़ेगा पर अपने जीवन के जहर को हमारे जहर के जीवन में घोलने का नहीं बोले तो जास्ती बात बोलने का नहीं जिधर को बैठा है जैसे बैठने का बिल्कुल बिंदास डोलने का नहीं बोले तो जास्ती बात बोलने का नहीं आज की कवि गोष्ठी की एक बड़ी विशेषता आप शायद लक्ष्य भी कर रहे होंगे समझ भी रहे होंगे विविधता बहुत है अलग अलग तरह के हम कहीं भी एक तरफ है गज़लों के सौंदर्य को हम लोगों ने देखा शबनम जी और नसीमा जी के द्विवेदी जी के एक अलग तरह का सौंदर्य था प्रकाश उदय जी एक अलग कुछ मंच थोड़ा सा खाली यह लग रहा है कि वीर रस का कोई कवि नहीं है वीर रस के कवि बड़े अद्भुत होते हैं उनका बस चले तो भारत सरकार को कुछ करना नहीं है कश्मीर उश्मीर वाली समस्या चीन उनकी समस्या यहीं बैठे हुए निपट जाएगी आधे घंटे में उनकी एक कविता में तो वो वो नहीं है उसकी ज़रूरत भी नहीं है कविता उस धर्म का कविता का वह धर्म भी नहीं है कविता तो हृदय की चीज़ है हृदय की वस्तु है यह मंच और इसलिए भी समृद्ध है कि हमारे बीच में डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जैसा एक बड़ा एक बड़ी पहचान जिसकी है बड़े गीतकार के रूप में वो मंच पर उपस्थित हैं आनंद जी को सुना दें पहले चलिए हमको भी लगा हाँ आइए आनंद वर्धन जी को सबकी तरफ से मंच का यह निर्देश मिला है आज के हमारे इस आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर आनंदवर्धन जी चाहे जिस पद पर हों बड़े से बड़े पद पर हों लेकिन एक संस्कार मिला है कविता का अभी जैसा कहा गया एक उत्तराधिकार पाया है आपने उस कविता को और आपके कहानियों के संग्रह को भी मैंने पढ़ा है निबंधों को मैंने पढ़ा है और कविता भी आपकी उतनी ही सहज है हम आपसे अनुरोध करते हैं आवें और अपना काव्य पाठ पढ़ें फिर अशोक भाई को धन्यवाद भाई राम सुधार जी अभी बहुत सारी अलग अलग स्वरूपों में कविता को आपने देखा और छोटी छोटी दो तीन रचनाएं पढ़ रहा हूं। अभी अपनी युवा युवावस्था की बात कर रहे थे प्रकाश जी और हम लोग समकालीन हैं मुझे लगता है शायद हम लोग बैचमेट भी थे तो कुछ कुछ वैसी ही इन्होंने प्रेम प्यार की बात की सबके जीवन में है रहा है होगा ये तो एक चिरस्थाई प्रक्रिया है प्रेम के बहुत सारे रूप होते हैं उसको बहुत सीमित करके नहीं देखना चाहिए बहरहाल एक छोटी सी गजल दूर आकाश के तारों से बुलाए कोई दूर आकाश के तारों से बुलाए कोई जैसे शबनम में पगे गीत सुनाए कोई दूर आकाश के तारों से बुलाए कोई जैसे शबनम में पगे गीत सुनाए कोई तुमने आंसू से लिख के खत हजार थे भेजे तुमने आंसू से लिख के खत हजार थे भेजे काश उन हर्फों को लौटा के ले आए कोई काश उन हर्फों को लौटा के ले आए कोई कोई उलझा रहा प्रकाश जी देर नहीं हुई है कोई उलझा रहा लट इसी खुशगवारी में कोई उलझा रहा लट इसी खुशगवारी में आके हौले से सवारे के बनाए कोई आके हौले से सवारे के बनाए कोई भागती 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 हवा हुई अचानक गुम भागती भागती हवा हुई अचानक गुम किस तरफ जाके मुड़ गई ये बताए कोई किस तरफ जाके मुड़ गई ये बताए कोई ध्यान दीजिएगा फूल अब भी यहाँ कभी कभार खिलते हैं फूल अब भी यहाँ कभी कभार खिलते हैं शर्त ये है कि बगीचे में तो जाए कोई शर्त यह है कि बगीचे में तो जाए कोई इसी उम्मीद में दिए लड़े अंधेरों से इसी उम्मीद में दिए लड़े अंधेरों से एक छोटी सी हथेली तो लगाए कोई एक छोटी सी हथेली तो लगाए कोई मिले थे इसी जगह जिससे वे बरसों पहले मिले थे इसी जगह जिनसे वे बरसों पहले बैठे इस इंतज़ार में यहाँ आए कोई बैठे इस इंतजार में यहाँ आए कोई दूर आकाश के तारों से बुलाए कोई जैसे शबनम में पगे गीत सुनाए कोई और ज्यादा समय न लेते हुए एक एक गीत सुना रहा हूँ और मैं लोप समरण नहीं कर पा रहा हूँ क्यों प्रकाश यहाँ बैठे और भोजपुरी का वो गीत है और कभी कभी हेरा फेरी करने की कोशिश मैं भी कर लेता हूं तो नियम नियमित रूप से तो भोजपुरी में नहीं लिखता कुछ त्रुटियां हो तो खासकर प्रकाश जी ध्यान दीजिएगा बनारस पर है खूब जमल हो पान के रजा बनारस हो खूब जमल हो पान के रजा बनारस हो लाली बा पहचान के रजा बनारस हो खूब जमल हो पान के रजा बनारस हो लाली हो पहचान के रजा बनारस हो टीसन से रिक्शा पर बैठा चला गुरु टीसन से रिक्शा पर बैठा चला गुरु का दिखलाई तुहके का दिखलाई तुहें कहाँ से करी शुरू आवा सबसे पहले भैरव नाथ चला आवा सबसे पहले भैरव नाथ चला हवन काशी का करें भला कितना करी बखान के रजा बनारस हो खूब जमल हो पान के रजा बनारस हो ही चौखंबा और बिस्नाथ गली ही चौखंबा और बिस्नाथ गली दर्शन करा खरीदा चूड़ी और टिकुली सारे देव बिराजे काशी भोला का रंग जमल बाट रंग जमल ठंडाई भांग के गोला का सबकर बसे परान के रजा बनारस हो खूब जमल हो पान के रजा बनारस हो बोध गया में बोध मिलल जब गौतम के बोध गया में बोध मिलल जब गौतम के मिलल उजास फट गए चादर तब तम के चलते चलते सारनाथ में आ गई लें रुक गई लें सबके उपदेश सुना लें, दे चलवन के ज्ञान के रजा बनारस हो खूब जमल हो पान के रजा बनारस हो गंगा मैया का विस्तार बताई का गंगा मैया का विस्तार बताई का काशी पर कैली उपकार बताई का पहले गुरु कबीर घाट ई पच गंगा पहले गुरु कबीर घाट ई पच गंगा संत गुसाई औघड़ दानी अड़भंगा मोद मोहन मदन महान के रजा बनारस हो खूब जमल हो पान करजा बनारस बा कथक का ताल बजेला सहनाई बा कथक का ताल बजेला सहनाई कजरी बिरहा चैती की धुन लहराई सबके ही दुख दूर करें संकट मोचन ले त्रिसूल ले त्रिसूल अभय दें सबके त्रिलोचन दोपहर सांझ बिहान करजा बनारस हो खूब जमल हो पान करजा बनारस हो रंग बनरसी साड़ी सबे पसंद करें रंग बनरसी साड़ी सबे पसंद करें नाम मलयो और स्वाद पर लोग मरें लौंग लता राधा प्रिय चमचम खुश कर दे लोंग लता राधा प्रिय चमचम खुश कर दे बर्फी नाम तिरंगी मुंह में रस भर दे खिर मोहन हो जान के रजा बनारस हो खूब जमल हो पान के रजा बनारस हो भारतेंदु रैदासा तुलसी रत्नाकर भारतेंदु रैदासा तुलसी रत्नाकर प्रेमचंद थे और कबीरा जयशंकर रामनगर में लीला देखा जा कर के भरत मिलाप दिखे नाटी इमली नाटी इमली में आकर के ठुमरी की हो तान के रजा बनारस हो खूब जमल हो पान के रजा बनारस हो राजघाट से चला मछुदरी तब आई राजघाट से चला मछोदरी तब आई मिले विशेषरगंज की मैदागिन भाई चौक गुदौलिया दशा सुमेर का घाट मिली मदनपुरा अस्सी लंका का ठाठ मिली घंटी और अजान के रजा बनारस हो खूब जमल हो पान के रजा बनारस हो चाट समोसा गली गली खूब बने चाट समोसा गली गली खूब बने सुबह जलेबी और कचौड़ी बहुत छने खूब छने सेब फालसा खिरनी जामुन आम मिले कटहल बढ़हल बेल करौंदा ढेर फले, गाय घाट बूंदी परकोटा पचगंगा राम घाट संगठा सिदिया हो मन कन का असी भदैनी आन करजा बनारस हो खूब जमल हो पान करजा बनारस हो खूब जमल हो पान करजा बनारस हो ये होता है बनारस का रंग और बनारस का रस मुझे जहाँ तक मालूम है वर्धन जी की जो मातृभाषा है वो ब्रज भाषा है शिव प्रसाद जी की ब्रज भाषा है शिव प्रसाद जी बताते भी थे लिखते भी थे उसमें लेकिन बनारस और यहाँ की बोली जो काशिका है वो ढल जाती है और अपने गीत में आपने भोजपुरी में पूरे बनारस का यात्रा करा दिया आपने मदनपुरा और लंका और सब कुछ जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपको और अब इस कवि गोष्ठी का के समापन की तरफ हम हैं या समापन शब्द तो आनंदवर्धन जी ने वर्जित किया हम इसकी पूर्णाहुति की तरफ हैं समावर्तन <laughs> की तरफ हैं तो भाई अशोक जी हमारे बीच में हैं और जैसा आपने कहा कि प्रकाश उदय जी और आनंदवर्धन जी क्लासमेट थे तो हम और डॉक्टर अशोक भाई जो हैं वो क्लास फेलो हैं पहले सब कहते थे कि क्लास में फेल हुए हैं क्या कि आप लोग क्लास फेलो हैं तो हम लोग क्लास फेलो हैं आप मनोविज्ञान के बाद में प्रोफेसर हुए और एक बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल भी हुए लेकिन गीत में और ख़ास करके नवगीत में आज के जीवन की जो विसंगति है शहर कहाँ शहर कहाँ कहाँ पहुँच गया है इस विकास के क्रम में आपकी एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है जहाँ अपने पते पर लापता रहते हैं सारे लोग उसको शहर कहते हैं शहर के आज हम कहाँ मनुष्यता संवेदनशीलता हमारी छूटती चली जा रही है ऐसे में धन के पीछे हम भाग रहे हैं सोने के हिरणों के पीछे भाग रहा है मन तो भाई अशोक जी एक बड़े और चर्चित गीतकार के रूप में चर्चित हैं अपने हैं अपने परिवार के हैं मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं आपके काव्य पाठ के लिए आज हेलो हेलो दे रहा आज इस सभागार में उपस्थित तिब्बतियन विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी श्री वांगचुंग दोरजे नेगी जी आज के इस सभा के मुख्य अतिथि आनंदवर्धन जी और रामसुधार जी जो मेरे पहले ही बता चुके है, क्लास फेलो हैं क्लासफेलो हैं अनुराग त्रिपाठी जी जो यहाँ हिंदी के अध्यक्ष हैं और हमारी सुनीता चंद्रा जी जो कितनी लोकप्रिय हैं उनके बारे में निशा जी ने बहुत पहले ही कितना कहा इसी से मैं आपको भी अभिवादन करता हूँ योग्य अभिवादन और वे कवि जो भाग लिए इसमें प्रकाश उदय जी बहुत चर्चित और अपने ढंग के अनोखे कवि हैं शबनम जी नसीमा निशा जी श्री राम रामायणधर द्विवेदी जी आर के मिश्रा जी सुशील कुमार जी महेश शर्मा जी और दीपांकर जी आपने भाग लिया तो सबसे पहले मैं महेश शर्मा जी को ही कुछ बात कह दूं कि आज का दिन जो है खाली हिंदी को याद करने का नहीं है ये भारतीय भाषा दिवस है हम स, हिंदी के यहाँ सबका सम्मान है तमिल तेलुगु सबसे हम लेते हैं किसी से हमारा दुराव नहीं है ये भारतीय भाषा दिवस है ये तो संविधान सभा ने जो राजभाषा इसे बना दिया तो वो एक दूसरा सवाल है दूसरा मसला है तो मैं सबसे पहले महेश शर्मा जी को कहता हूं पत्नी पर इन्होंने याद किया है तो आपको एक कविता में चार पंक्तियां समर्पित करता हूं कितना शरीफ शख्स है पत्नी को चाहता है कितना शरीफ शख्स है पत्नी को चाहता है इस पर कमाल ये है कि अपनी को चाहता है तो एक कविता जो है वो एक कविता होती है उसके लिए किसी आलोचक की जरूरत पड़ती है समझाने वाले की जरूरत पड़ती है वकील की जरूरत पड़ती है ऐसी जो कविताएं हो, कविता होती हैं वो बड़ी कविताएं होती हैं जैसे मुक्तिबोध की अंधेरे में चाँद का मुंह टेढ़ा है तो इसके उसको समझाते समझाते समझाने वाले का मूड टेढ़ा हो जाता है <laughs> लेकिन समझ में नहीं आती बड़ी कविता है वे बड़े कवि है असाधीणा है हमारे अज्ञे जी की ऐसे ही बड़ी बड़ी कविताएं हैं और कुछ कविता ऐसी है कि लोगों के हृदय में बसी हुई है वो अर्थात की कविता नहीं है उसे किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ती है कबीर की कविता तुलसी की कविता उस अर्थात की कविता नहीं अर्थात एक समझाने वाला अर्थात ये ना आप कहते ही समझ जाते हैं वो कबीर की कविता है तो जैसे लेकिन उसमें भी ब्लंडर हो जाता है ब्लंडर कैसे हो जाता है कि कबीरा संगत साधु की जो गंधी का वास जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास अर्थ तो आप समझते हैं एक अर्थ हमें एक आदमी ने समझाया कि कविरा संगत साधु की जो गंधी का वास गांधी जी का साथ अगर रहेगा तो वो, वो गंधी के समान है अगर कुछ नहीं भी होगा उनके साथ होकर तो सुबह तो हो ही जाएगा <laughs> जो गंधी का आवास जो कुछ गंधी दे नहीं तो वही बात सुबाष तो कविता जो है इस तरह से है एक घर में हम गए तो देखे कि सभी गवैये हैं पूछा कि भाई सबकी सभी गाने वाले इसमें कैसे हैं तो कहा कि हमारे पिताजी घर में है है। जो है बाथरूम का सिटकिनी निकलवा दिए हैं जब हम लोग कोई भी जाते हैं बाथरूम में तो कुछ ना कुछ गाते रहते हैं चाहे सिनेमा का गाना ही क्यों नहीं गाते रहते इस तरह से घर में सभी लोग गवैये हो गए और एक कवि सम्मेलन में हम लोग गए एक जगह तो उसमें एक शायरा आई हुई थी उन्होंने लिखा अश्क बन बन के मेरे चश्मे तर में रहता है अश्क बन बन के अपने च, मेरे चश्मे चश्मे तर मने आख अश्क मने आंसू अश्क बन अपने प्रेमी को कहा अश्क बन बन के मेरे चश्मे तर में रहता है दूसरी बार फिर कहा अश्क बन बन के मेरे चश्मे तर में रहता है तो दूसरे एक कवि एक श्रोता उठा कहा कि आगे भी कुछ बढ़ेंगे कि कुछ इसी चश्मे तरह मेरे मर जाए हम लोग हम ये सब इसलिए सुना रहे हैं कि आप लोग बहुत सुनते सुनते कपार पर बड़ा बोझ हो गया जब तक ये सब थोड़ा सा हल्का नहीं होगा तो तो गीत हम भी कैसे पढ़ पाएंगे तो अश्क बन बन के मेरे चश्मे तर में रहता है तो कहा कि आगे भी सुनाएंगी तो फिर उन्होंने कहा कि कभी मुशायरों में गए हो कभी कभी सम्मेलन में गए हो एक तहजीब होती है हैं तो कश्ती का जिम्मेदार सिर्फ नाखुदा नहीं माने जो सुनने वाले महफिल है उसमें खाली सुनाने वाला ही जिम्मेदार नहीं है कश्ती का जिम्मेदार सिर्फ नाखुदा नहीं नाखुदा मल्लाह कहते हैं उस कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए तो तुम्हें तरीका भी आना चाहिए सुनना एक, तो एक पंक्ति को एक मिसरे को कई बार दोहराया जाता है तब दूसरा मिसरा समझ में आता है तो अश बनमन के मेरे चश्मे तर में रहता है तो गुस्सा के कहा कि इसीलिए कोई कवि सम्मेलन में नहीं आता अपने घर में रहता है तो देखिए ये मंच कला है का जो यहाँ पर कविता आप सुनाते हैं वो खाली ये नहीं कि आपका कर्जा खाकर लोग सामने बैठे हुए हैं और आप जो मन करे सो सुनाइए लोग सुनते रहे तो एक तो समय दे रहे हैं दूसरे सुन रहे हैं लोग तो सभा चतुर होना चाहिए कि आप कहाँ सुन रहे हैं कौन सी सी बात जा रही है कौन सी बात आप तक नहीं जा रही है आप अगर कोई गरिष्ठ चीज भी देना चाहते हैं तो थोड़ा सा वो जो चूहे वाला चूरन है वो थोड़ा दे दीजिए ताकि पच जाए वो तभी जो है वो काम चलेगा आ, मैं प्रातःस्मरणीय श्री प्रसाद जी के साथ कई बार मैंने काव्य पाठ किया है और हमारे नाटक सलीम राजा जी के साथ और उनके नाटक भी नागरी नाटक मंडली में हुए हैं और चंद्रबली सिंह जी के यहाँ हम लोगों ने काव्य पाठ भी कई बार किया है आनंदवर्धन जी ने और हम लोग बहुत परिचित रहे हैं बहुत राम सुधार जी ने बताया एक एक प्रसंग है तो हर प्रसंग के बारे में तो अश्क बंधन के अब देखिए एक जगह कविता में एक पढ़ रहे थे आओ प्रिय शाम मैं तुम्हारे नाम कर दूं बच्चन जी पढ़ रहे थे बच्चन जी की बात बता रहा हूँ ये राय बच्चन आओ प्रिय शाम मैं तुम्हारे नाम कर दूं तो एक आदमी खड़ा हुआ कहा कि आपकी कविता है तो थोड़ा देर सकते में पड़ गए कि अरे भाई ये सीधा सवाल पूछ रहा है कविता तो मेरी है फिर सोच के कहा, हा, हा, मेरी कविता है कहा, आपकी कविता तो ठीक है लेकिन शाम क्या जो है आपके बाप की जिसका मन करे उसके नाम <laughs> तो कभी कभी ऐसे लोगों से पाला पड़ जाता है कि तो मैं पहले आपको गीत सुना दू कविता सब तरह की रखे हैं पास में, थैले में क्योंकि गीत ही कभी कभी सभा में पढ़ जाते हैं अनुवर्धन जी कि आ, मालिक मालिक तो जरूरत पड़ती है कि झोले से वो वाला जो है निकाले और पढ़े तो एक कविता तो मैं जो वही सुना ही देता हूँ शहर तब और बात सुनाते हैं सुनाए जो काम हुआ है कई दिनों से कई प्रोग्राम से होते हुए आ रहे हैं पढ़ पाए तो ठीक है सुन लीजिएगा आप लोग अपने पते पर लापता रहते हैं सारे लोग उसको शहर कहते हैं उसको शहर कहते हैं जहा अपने पते पर लापता रहते हैं सारे लोग उसको शहर कहते हैं उसको शहर कहते हैं मुनाफे से बड़ा जिस जगह पर रिश्ता कोई ना हो मुनाफे से बड़ा जिस जगह पर रिश्ता कोई न हो जहां पर बस्तियां ही बस्तियां बसता कोई न हो मुनाफे से बड़ा जिस जगह पर तो रिश्ता कोई न हो जहां पर बस्तियां ही बस्तियां बसता कोई ना हो जहां अंधी गली को ही डहर कहते हैं सारे लोग उसको शहर कहते हैं उसको शहर कहते हैं जहा अपने पते पर लापता रहते हैं सारे लोग उसको शहर कहते हैं उसको शहर कहते हैं जहन से आदमीयत का सभी एहसास मर जाए जहन से आदमीयत का सभी एहसास मर जाए जहां पर दर्द ही हम दर्द बनकर के नजर आए जहाँ पर दर्द ही हम दर्द बन कर के नजर आए जहाँ रखे बिना दिल और जिगर रहते हैं सारे लोग उसको शहर कहते हैं उसको शहर कहते हैं जहाँ अपने पते पर लापता रहते हैं सारे लोग उसको शहर कहते हैं उसको शहर कहते हैं और ये पंक्तियां देखिएगा कभी इस घाट दौड़ाए कभी उस घाट दौड़ाए कभी इस घाट दौड़ाए कभी, कभी उस घाट दौड़ाए न दिल को चैन ना मन को कहीं कोई करा रहा न दिल को चैन ना मन को कहीं कोई करा रहा है अपने ही दर पे दर बदर रहते हैं सारे लोग उसको शहर कहते हैं उसको शहर कहते हैं जहाँ अपने ही दर पे दर बदर रहते हैं सारे लोग उसको शहर कहते हैं उसको शहर कहते हैं जहाँ जहाँ पर चौधिया हट बीच जहाँ पर सुर्खियों में तैरने का अर्थ जीना हो जहा पर सुर्खियों में तैरने का अर्थ जीना हो जहा पर सुर्खियों में तैरने का अर्थ जीना हो याद नहीं पड़ा जहा पर सुर्खियों में तैरने का अर्थ जीना हो जहा खबरों में रह के बेखबर रहते हैं सारे लोग उसको शहर कहते हैं उसको शहर कहते हैं जहां अपने पते पर लापता रहते हैं सारे लोग मुखौटे हर तरह के आदमी की खोल बिकती हो मुखौटे हर तरह के आदमी की खोल बिकती हो जहां अनमोल सी यह जिंदगी बेमोल बिकती हो तराजू पर खड़े रहते हैं सारे लोग उसको शहर कहते हैं उसको शहर कहते हैं जहां अपने पते रहते हैं हैं सारे लोग उसको शहर कहते हैं। और एक गीत सुने आ, हमारे जो कालिदास ने एक जगह लिखा है कि जो सब कुछ पुराना है वो सब अच्छा ही नहीं होता उसमें कुछ छाटने की भी जरूरत होती है कहीं लिखा है उन्होंने और जो सब नया है वो सब अपनाने लायक ही नहीं होता है विवेक से इन दोनों के बीच भेद करना चाहिए और अपनी हम अच्छाइयां भी छोड़ते चले जा रहे हैं यही बात हम गीत में कहना चाहते हैं खुशबू आए तो किस वन से आए खुशबू आए तो किस वन से आए चंदन के गाछ यहाँ कौन लगाए खुशबू आए तो किस वन से आए बाबा ने बोया था बाबा ने बोया था हमने मिल बांट लिया बाबा ने बोया था हमने मिल बांट लिया जो आया हिस्से में सबका सब काट लिया दोष हवा का क्या है धूल उड़ाए खुशबू आए तो किस बन से आए दादी के नानी के वो सब जो किस्से थे दादी के नानी के वो सब जो किस्से थे वो भी तो जीवन के अपने ही हिस्से थे दादी के नानी के वो सब जो किस्से थे वो भी तो जीवन के अपने ही हिस्से थे आगे बढ़ने में हम क्या क्या छोड़ाए खुशबू आए तो किस वन से आए चंदन के गाछ यहाँ कौन लगाए खुशबू आए तो किस वन से आए छाया उठ जाती है जब भी अपने सिर से छाया उठ जाती है जब भी अपने सिर से सदियां लग जाती हैं उगने में तब फिर से छाया उठ जाती है जब भी अपने सिर से सदियां लग जाती हैं उगने में तब फिर से कोई समझे तब तो कोई समझाए खुशबू आए तो किस बन से आए चंदन के गाछ यहाँ कौन लगाए खुशबू आए तो किस वन से आए और आखिरी बंद इस गीत का बंजर हो जाने पर बंजर हो जाने पर भीतर से बाहर से बंजर हो जाने पर भीतर से बाहर से रचने का भाव नहीं उगता है अंदर से कल की तस्वीर मुझे आज डराए खुशबू आए तो किस वन से आए चंदन के गाछ यहाँ कौन लगाए खुशबू आए तो किस बन से आए और एक कविता सुने कैसे कि अब थोड़ा गंभीर हो लिया लड़की बोली पिताजी आपने मेरी शादी उस लड़के से चला दी लड़की बोली पिताजी आपने मेरी शादी उस लड़के से चला दी मैं सब उससे हरगिज नहीं करूंगी शादी सुनती हूँ सुनती हूँ वह किसी ऊपर वाले में विश्वास नहीं करता और किसी से नहीं डरता पिता बोले कि में चिंता की कौन सी बात है बेटी एक बार तुझसे शादी हो जाने दे वह क्या उसका बाप भी ईश्वर ईश्वर चिल्लाएगा क्योंकि गले में पड़े हुए फांसी के फंदे से केवल उसको ईश्वर ही बचाएगा अरे शादी के बाद जो खुलकर हंस ले उसका शेर का कलेजा है सभी नास्तिकों को आस्तिक बनाने के लिए ही भगवान ने धरती पर औरत को भेजा कविता सुन लिए हनुमान ने यही बनारस की घटना है हनुमान ने लंका में आग लगाई हनुमान ने लंका में आग लगाई बदले में उसके घर दस हजार रुपए की रकम मनिया से आई हनुमान की बुद्धि चकराई अरे मैंने तो लंका में आग लगाई फिर दस हजार रुपए की रकम क्यों आई तो नीचे लिखा था धन्यवाद हनुमान भाई इधर धंधा चल रहा था बहुत बंदा ऊपर से लफंगों को देना रोज रोज चंदा चौपट हो गया था पूरा का पूरा धंधा तुमने हमारी पचास लाख की संपत्ति में आग लगाई बीमा वालों ने खा पी कर की 25 पच्चीस करोड़ की भरपाई अब हमने तय किया है कि आगे हम अपनी लंका को और इशान बनवाएंगे और इस बार तो तुम्हें आने में बड़ी तकलीफ हुई होगी अगली बार आग लगाने के लिए तुम्हें हवाई जहाज से बुलवाएंगे अगली बार आग लगाने के लिए तुम्हें हवाई जहाज से बुलवाएंगे और अगर इसी तरह तुम पुलिस और कानून के आंख में धूल झोंक कर लंका में आग लगाते रहे तो किसी हवाला मंत्री से तुम्हें संकट मोचन की उपाधि दिलवाएंगे और नीचे लिखा हुआ था तुम्हारा अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल लंका वाराणसी और एक गीत के साथ मैं अपना समापन करूंगा अपने काव्य पाठ का बनारस पर मैं भी एक गीत पढ़ देता हूँ आनंद आनंद जी ने बनारस घुमाया है एक बनारस की कविता हमारी भी है कोई तस्वीर ऐसी बने तो बना कोई तस्वीर ऐसी बने तो बना जो बनारस 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 लगे कोई तस्वीर ऐसी बने तो बना जो बनारस 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 लगे सिर कंगूरे की टोपी लगाए हुए सिर कंगूरे बनारस को जो बनारस में रहते हैं ये सब नहीं देख पाते उसी क्योंकि उसी में है बाहर से दिखाई पड़ता है सब सिर कंगूरे की टोपी लगाए हुए अपनी मस्ती में सब कुछ भुलाए हुए औगुनों को भी सिर पर चढ़ाए हुए औगुणों को भी सिर पर चढ़ाए हुए शिव की बारात में शिव बनाए हुए शिव की बारात में शिव बनाए हुए जिसमें लगती हो गलिया धमनियो शिरा जिसमें लगती हो गलिया धमनियो शिरा जिसमें बसती हो भारत की सारी दिशा दोहे चौपाइया पदर चाय यहां दोहे चौपाइया पदर चाय यहा जिस गाया के मिलते हो दोनों जहां आपने पढ़ा होगा प्राची का मेल सुंदर तो हमने दोनों जहां का मतलब प्रतीत प्राची भी और आध्यात्म और सांसारिक विद्या भी दो है चौपाइया पद रिचाए यहां जिस जगाया के मिलते हो दोनों जहां नाम शमशान भी और आनंदवन नाम शमशान भी और आनंदवन राग एक तो विराग इसका दूजा नयन राग एक तो विराग इसका दूजा नयन घाट का ठाट का और हुनर का शहर घाट का ठाट का और हुनर का शहर बेल बूटे खिलौने चुनर का शहर साढ़ सन्यासियों सीढ़ियों का शहर पीढ़ियों 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 का शहर ज्योतिकंटक के त्रिशूल पर हो अड़ा ज्योत्रिकंटक के त्रिशूल पर हो अड़ा जिसका इतिहास इतिहास से भी बड़ा जिसका इतिहास इतिहास से भी बड़ा जल ओ चबे ने मेरा रहता मगन गंग जल ओ चबे ने मेरा रहता मगन इसके ठेंगे पे दुनिया के सारे रतन इसके ठेंगे पे दुनिया के सारे रतन कुश्ती बिरहे है का दंगल लड़ाता शहर कुश्ती बिरहे है का दंगल लड़ाता शहर गांव आधा तो लगता हो आधा शहर पान खाता ठहा के लगाता शहर पान खाता ठाके लगाता शहर मौज गंगा की गोदी उड़ाता शहर ठेले नियम से लगाता शहर भंग में रंग अपना जमाता शहर ऐसा फक्कड़ शहर मस्त मौला नगर ऐसा फक्कड़ शहर मौला नगर अपनी पस्ती में भी दिखता बेफिकर बुद्ध रैदास ओ कबीरा का शहर पर हमारा शहर हो तुम्हारा शहर कोई तस्वीर ऐसी बने तो बना जो बनारस 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 लगे वाह क्या बात है बहुत बहुत बधाई डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी को अपने सुंदर और कई गीतों के साथ और फिर बनारस के गीत के साथ इस कवि गोष्ठी का समापन हो आनंद वर्धन जी ने बनारस के गीत की शुरुआत की थी कविता की हमारे बीच में अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो डॉक्टर उषा शर्मा जी उपस्थित हैं मैं बहुत संस्थान की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और आप सबको परिचित करा दूं आनंद जी की कविता शर्मा जी हैं बहुत बहुत स्वागत आपका आपने समय दिया यहाँ के लिए और इसी के साथ अशोक जी के इस गीत के साथ हम आज के इस कवि गोष्ठी का समापन कर रहे हैं और हम बहुत ही आभारी हैं कि माननीय कुलपति जी कुलसचिव महोदया इतनी देर तक बीच में बैठी रहीं और माननीय कुलपति जी का राजभाषा कार्यान्वयन समिति के प्रत्येक कार्य में मुक्त हस्त से आप सहायता करते हैं खुले मन से रहते हैं और मैं स्वयं देखता हूं कि पिछले एक सप्ताह से कोई भी कार्यक्रम है आपके देख रेख में संपन्न हो रहा है मैं अध्यक्षीय संबोधन के लिए मानी कुलपति जी से अनुरोध करता हूँ आपा में और अपना आशीर्वाद प्रदान करें इस राजभाषा कार्यान्वयन समिति को यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को मानी कुलपति जी अध्यक्षीय संबोधन नमो बुद्ध आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आनंद वर्धन जी तथा कवि अशोक सिंह जी तथा अन्य कविगण और श्रोताओं अब मैं क्या कहूँ <laughs> क्योंकि मैं कवि हूँ भी नहीं और ना ही मेरे पास हिंदी शब्द का वो भंडार है कुछ कह सकूँ लेकिन इतना ज़रूर है कि आ, जो पिछले एक सप्ताह के लिए जो राजभाषा सप्ताह जो आयोजन किया गया है इसमें जो है प्रारंभ में जो है राज ये अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप एवं चुनौतियों पर विचार हुआ था इस पर यदि मैं दो शब्द कहूँ तो मैं अपने को बहुत गौरवान्वित मानता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि दुनिया का जो पॉपुलेशन है लगभग साढ़े सात आठ अरब है उसमें यदि हम देखते हैं तो हर सातवा व्यक्ति जो है भारतीय है भारतीय होने के नाते मैं समझता हूँ कुछ रूप में वो सब जो है क्या है हिंदी के एक प्रकार के समर्थक के रूप में देखता हूँ इस प्रकार यदि हम देखें तो हिंदी भाषा जो है एक प्रकार से दुनिया में मैं समझता हूँ अंग्रेजी के बाद जो है दूसरा भाषा के रूप में स्थापित है तो ये एक मैं कहने चाह रहा था और दूसरा जो सेकंड डे पर जो आप लोगों ने राजभाषा के प्रयोग में आने वाली समस्याएं एवं समाधान पर जो विचार किया था इसमें मैं देखता हूँ कि जैसे कि चीन में भी मैंने देख देखा है चीन में भी अनेक नस्ल हैं लगभग पचपन छप्पन नस्ल है, है जातियाँ हैं भाषा के रूप में देखें भी अनेक भाषाएं हैं उनमें से भी विशेष रूप से जैसे मंगोलियन है युगर है तुजिया है आदि आदि अनेक जो है भाषाएं हैं इसके बावजूद भी वहाँ पर जो है एक प्रकार से मेंडिन भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है जबकि कहा जाता है कि वहाँ पर लगभग तीस पैंतीस करोड़ आबादी मेंड्रिन को नहीं जानती है लेकिन उनका स्क्रिप्ट जो है मैंड्रिन होने के नाते सब जो है उसको जो स्वीकार क्या भारतवर्ष में भी अनेक भाषाएं हैं अनेक लिपियां हैं क्या उन लिपियों को देवनागरी के माध्यम से क्या नहीं लिखा जा सकता है यदि हम उसको जो देवनागरी के रूप में अगर लिखना तेलुगु हो तमिल हो कन्नड़ हो देवनागरी से अगर लिखना हम प्रारंभ करेंगे तो क्या होगा कि हिंदी के प्रति हमारा जो है भाव जो है बढ़ेगी समझेंगी तो मैं समझता हूँ अगर समाधान के रूप में बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ हूँ नहीं उसमें मैं ये देख रहा था कल सोच रहा था कि हिंदी के विकास के लिए जो है क्या हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो मैं समझता हूँ एक भाषा के लिए ये बहुत उपयोगी होगा फिर दूसरा आप लोगों ने ये जो है वाद विवाद प्रतियोगिता किया है उसमें ये लिखा है कि उच्च शिक्षा का माध्यम जो पूर्णतः हिंदी में हो सकता है या नहीं हो सकता है निश्चित रूप रूप से आज मैं देखता हूँ ये संभव है क्योंकि आप देख रहे हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में जो है आज जो है एम है एल है वो जो है हिंदी के माध्यम से पढ़ाया जा जा रहा है और वहीं पर जो है आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं मेडिकल जो, जो, जो है हिंदी के भाषा में पढ़ा पाठ्यक्रम जो है तैयार हो गया इसी प्रकार आज देखते हैं आई आई एस हैं आई पी एस हैं जो हमारे टॉप के प्रतियोगिताएं हैं वो सब हिंदी भाषा में भी हो रही है इस प्रकार हम देखते हैं तो उस शिक्षा में भी यदि हम लोग प्रयास करेंगे तो बहुत वो दिन दूर नहीं होगा जो हम जो है हिंदी के माध्यम से जो है सब हम अपने शिक्षा को जो है अध्ययन अध्यापन जो है करा सकेंगे ऐसा जैसा मेरे को लगता है तो अब अंतिम जो आज कवि का है कविता तो मेरे को आता नहीं है लेकिन फिर भी क्योंकि मैं बौद्ध दर्शन का छात्र हूँ अध्यात्म का छात्र होने के नाते मैं देखता हूँ कि दर्शन भी जो है एक प्रकार से हृदय से उत्पन्न होती है यदि दर्शन विवेक के माध्यम से दर्शन अगर खड़ा होगा तो वो जो एक प्रकार से पाश्चात्य दर्शन के लिए क्यों कैसे कब करके विश्लेषण होगा लेकिन हमारा जो भारतीय दर्शन है दर्शन शब्द जो है दुख से पीड़ा से समाज की समस्याओं को लेकर के प्रश्न उठा करके जो है दर्शन का व्यवस्था होती है इस दृष्टि से देखा जाए दर्शन जो है क्या है हृदय से आती है कविता भी हृदय से आती है इसलिए हृदय तो है मेरे पास लेकिन कविता का कविता मेरे पास नहीं है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कविता के बारे में तो मैं कुछ नहीं हूँ इन्हीं शब्दों के साथ पुना आप लोग जो है आए और बहुत सुंदर की कुछ कविताएं अच्छा में, में पंद्रह अगस्त पर हम प्रभात फेरी में गाते थे आया पंद्रह अगस्त आया, आया। सदियों का अरमान सफल है वीरों का बलिदान सफल है जो चाया हो हमने पाया आया पंद्रह अगस्त आया जी के दीपक आज लाओ कर्म पथ पर बढ़ते जाओ बंधु पाओ जम आया पंद्रह अगस्त आया करके हम में बोलते <laughs> तो, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने बहुत सुंदर कविता का भाखन किया हम लोग बहुत भाव्योर हुए इसके लिए आप सबको धन्यवाद करें बहुत बहुत धन्यवाद सर और आपने अपने अध्यक्षीय संबोधन में पिछले एक सप्ताह से जो गतिविधियां जो कार्यक्रम प्रतिनिधियाँ हुए एक तरह से बहुत संक्षेप में आपने उनका मूल्यांकन किया उनकी समीक्षा किया और बहुत एक सार्थक सुझाव भी आपने दिया कि भारत की सभी जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उनको देवनागरी लिपि में लिखा जाए मेरा ख्याल है कि विनोबा भावे आदि ने भी इस तरह का प्रस्ताव रखा था पता नहीं क्यों यह ठंडे बस्ते में डाल दिया गया क्योंकि अगर यह हो जाए तो एक भारतीय भाषाओं के बीच में एक एकता स्थापित हो सकती है हम बहुत आभारी हैं आपके इस वक्तव्य के लिए आशीर्वाद के लिए और धन्यवाद प्रकाश के लिए मैं अनुरोध करूंगा माननीय कुल सचिव महोदया डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी के जिनका निरंतर आप ये सोचिए कि ये जो भी कार्यक्रम राजभाषा का चल रहा है उसमें कुल सचिव और जो डिप्टी रजिस्ट्रार सर हैं डॉक्टर हिमांशु पांडे जी आप लोगों की देख में सारा निर्देशन सारा संरक्षण सब आप लोगों का रहता है इसलिए बहुत आदर के साथ आपको आमंत्रित करता हूं। आप हमारे कवि बंधुओं को और यहाँ उपस्थित सभी लोगों के धन्यवाद ज्ञापित करें धन्यवाद सर जैसा अभी हमारे माननीय कुलपति महोदय कह रहे थे बिल्कुल ये एहसास हो रहा है यहाँ खड़े होकर कि इस हॉल में इस समय जो इसका अब मैं वो शब्द भी नहीं है अब इतनी कविताएं सुनने के बाद हमें लगता है कि हमारे पास तो उस तरह के शब्द नहीं है अपने भाव को रखने के अ, कि जिस तरह का भाव इस हॉल में इस समय है अ, मुझे लगता नहीं कि धन्यवाद ज्ञापन जैसा एक औपचारिक फॉर्मेलिटी के साथ मैं जस्टिफिकेशन कर सकूँगी बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ परम श्रद्धे हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर डब्ल्यू डी नेगी सर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिन्होंने बहुत हमारे आ, दिल को छूते हुए हमारे इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया प्रोफेसर आनंद मदन शर्मा सर जिनका साथ दे रही हैं उनकी धर्मपत्नी आपका भी मैडम और बहुत सम्मान के साथ इतने बड़े बड़े महान लोगों से प्रोफेसर सुधाकर सर, आ, सर ने हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया आ, इतने बड़े कवि हमारे बीच थे पिछले दो घंटे और हम लोगों को इतना इसका इस कविता और इसके पाठन से जो हमें लाभ मिला है आप लोगों के लिए रोज़ की चीज़ है इसलिए आप इसे शायद ना फील कर पाएँ लेकिन हमारे लिए बहुत खास था आज का दिन इसलिए मंच पे बैठे हर वो कवि और इतना सुंदर मंच था जहाँ पे नारी शक्ति भी है जहाँ युवा भी है जहाँ बहुत एक्सपीरियंस भी है जहाँ एकेडमिक एक्सेलेंस भी है आ, सब कॉम्बिनेशन वाला एक मंच था और आ, मैं बहुत दिल से बहुत सम्मान और आदर के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने आकर सर ने टोका हुआ है लेकिन हर अच्छी चीज़ का समय पे कुछ समापन चलिए हम समापन नहीं सर एक मोड़ पे जो लाके खड़ा किया है आज हमें आपने आ, उसका हिंदी सप्ताह समारोह का समापन इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि हिंदी सप्ताह समारोह एक बहुत ही फॉर्मल सा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में जैसा एक ढांचा दिया है सरकार ने और उस पर कुछ तीन बिंदु दिए हैं हमें वो बिंदु अभी मैं बताती हूँ उन तीन बिंदु और उसके ढांचे से परे जो उसके अंदर एक जान डाल दी आज कवि सम्मेलन ने उस में जो हृदय जैसे सर ने कहा कि वो जो हार्ट का बीट है वो आज का कवि सम्मेलन था तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और ऑडियंस में हमारे पास बहुत सामने बहुत सीनियर लोग बैठे हैं प्रोफेसर रामजीत सिंह सर प्रोफेसर सिंह प्रोफेसर सुधाकर सर और हमारे कलीग्स हैं मैडम हैं सुचिता मैडम हिमांशु जी प्रमोद जी हमारे कलीग हैं मिश्रा जी आ, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगी लेकिन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप ना होते तो इस कविता का जो एब्जॉर्प्शन है अब इसका भी हिंदी हम ठीक से नहीं कर पाएंगे बहुत सारी चीज़ें फ़िज़ा में होती हैं लेकिन जो एब्ज़ॉर्ब कर सके तभी उसका मायने है और आप सब ने एबज़ॉर्ब किया क्योंकि इससे मोटिवेट होकर के जो हमारे इंस्टीट्यूट के तीन चार कवि निकल के आए जो मैं भी नहीं जानती थी वो ज़रूर आप लोगों का मोटिवेशन है सर आप लोगों ने इतना अच्छा मोटिवेट किया झरनों आसमानों जुगनुओं की बातें कविता झर कविता थी गज़ल थी क्या नहीं था, था? आज एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी शायद आप राम सुधार सर हमें समझा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो कवि होते हैं वो इतनी सुरीली आवाज़ कहाँ से लाते हैं कोई ऐसा कवि नहीं था जिसके सुर में मतलब जिसमें सरस्वती नहीं थी आ, हमने जब सरस्वती वंदना हमारे यंग कवि रामायण जी ने आ, सुनाया तो मुझे लगा नहीं इनका गला बहुत सुंदर होगा बहुत सुरीला होगा इसलिए इनका सुर फिर तो एक के बाद सारे ही कवि इतने सुरीले थे नसीमा मैडम हो या शबनम जी ने जब हमें इतनी तारीफ कर दी तो वो तो इंसान की कमजोरी होती है वो खुश हो जाता है लेकिन जब सुनना शुरू किया तो कोई कमी नहीं थी और आप आ, बहुत सम्मान के साथ आपका नाम ले रही हूँ अशोक जी जब आपने आ, सुनाया तो उस, उस उस आवाज में इतना दर्द है और इतनी जब वो शहरों के लोगों को आपने बहुत प्यार से कोसा अभी तक हम इंसान और इस समय क्या इंसान के कोसने की बातें सुनते हैं कि इंसान कितना बदल गया कितना मटेरियलिस्टिक हो गया लेकिन जब हमने आपने उन इंसानों को भी दो कैटेगराइजेशन किया एक शहर और एक नॉन शहर वाले तो बात बहुत सच्ची लगी और बहुत अच्छी लगी कि वाकई शहर के पानी में कुछ है जिससे हम इतने मेटीरियलिस्टिक हो रहे हैं तो आ, आ, मेरे लिए ये बहुत आ, सोचने का एक बिंदु है कि मैं भी सोचूंगी इसको कि ये शहर में ही क्यों ऐसा कुछ है जिससे कि वो इतने बदल जा रहे हैं गांव में वो चीज़ क्यों नहीं है क्या वो मिलावट है जो भी हो आ, मैं अब राजभाषा से के संबंधित बात बता दूं तो तीन बिंदु आ, सरकार राज्य भाषा के क्रियान्वयन के लिए आ, उन्होंने निर्धारित किए हैं एक है प्रोत्साह प्रोत्साहन एक प्रेरणा और एक है जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल धाराएं हैं जिसके तहत हमें इतनी लेटर्स लिखने हैं ये धारा वो धारा वो धारा लेकिन हमको बस ये अच्छा लगा प्रेरणा इसका एक बिंदु और आज के कवि सम्मेलन से ये बिंदु पूर्ण होता है मैं इस सभा में बैठे हुए सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ मैं इस आयोजन में सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने बहुत मेहनत करी है अनुराग त्रिपाठी जी भगवान पांडे जी सुशील जी और इस सारे कार्यक्रम को बांधे रखने को के लिए जो जिम्मेदार थे प्रोफेसर राम सुधार सिंह सर और मेरा पूरा ऑफिस हमारे एआरडीआर और सारा ऑफिस मैं उनको भी पर्सनली थैंक यू कहती हूँ Thank you, all of you. नहीं मैं बिल्कुल कभी नहीं हूँ मुझे बहुत माफ़ कर दीजिए मैं बिल्कुल कभी नहीं हूँ मैंने कभी कोई कविता कही नहीं है मैं साइंस की स्टूडेंट थी तो मैंने कोई कविता कही नहीं लेकिन हाँ मैं कविता के वो जो एक मर्म होता है उसको मैं फील जरूर कर लेती हूँ और मैं लिखूंगी ऐसा लगता है जब रिटायर हो जाऊंगी तो मैं बैठ के जरूर लिखूंगी और तब मैं जरूर सुनाने आऊंगी आप मुझे आमंत्रण जरूर भेजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद कविता का साइंस और आर्ट से कोई संबंध भी नहीं है और आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय की रही हैं जहाँ की कुल गीत ही लिखा है भटनागर सर ने तो बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद आपने आप सभी के प्रति आपने आभार व्यक्त किया आपने एक बीच में अपनी जिज्ञासा की कि सभी का स्वर इतना मधुर इतना क्यों था निर्भर करता है भाव हमारा कैसा है हमारा स्वर शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है <laughs> नहीं भाव पर भी है रावण की हंसी और राम की हंसी में तो अंतर होगा ही हैं सीता का बोलना और सुप्रणखा का बोलना तो अंतर रहेगा ही तो यह हमारा भाव जैसा है हमारी संवेदनशीलता जैसी है उस तरह के हमारे शब्द निकलेंगे कभी के भीतर घर जाने पर इनका यह स्वर नहीं रहता है बड़ा बेचारा हो जाता है इन लोगों का पत्नियों के सामने तो आज के सचमुच बहुत ही यह जैसा आपने बताया कि आज का यह जो, यह जो समावर्तन जो यह हमारा सत्र रहा बहुत ही सुंदर और कवियों ने जिस तरह से ढाई तीन घंटे यहाँ बैठ कर के कविता के सागर में सब लोगों ने सरोवर में गोते लगाए हैं मैं जहाँ तक समझता हूँ आप सभी को संस्थान की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद